नमस्कार मेरा नाम हिमांशु तिवारी स्वागत आप सभी का तारीख 24 मई 2020 और आप देखना शुरू कर चुके हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एजुकेशनल चैनल जिसका नाम है लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स मगध अंपायर महाजनपद इस पर हम चर्चा करेंगे मैंने आपको सवाल दिए थे उसके बहुत लोगों ने आंसर लिखे हैं उसमें से हम बहुत सारे आंसर्स पे चर्चा करेंगे क्लियर है और जानेंगे कि आंसर्स को किस तरीके से कुछ लोगों ने ट्विस्ट दिया है आपको मैं ये कॉपी सिर्फ इसलिए दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आए कि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर ऐसे लिखें ऐसे लिखें आपको जैसे मन में आए वैसे लिखो क्लियर है लेकिन आप लिखो आप किस तरीके से नई क्रिएटिविटी अपने आंसर में ला सकते हो यह दिखाएंगे हम क्लियर है कोई भी अच्छा आंसर खराब आंसर इस तरह की चीजें नहीं होती है यह डिपेंड करता है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है आप किन चीजों को कैसे लिखते हैं कि पढ़ने वाले को सीधे सीधे समझ में आ जाए क्लियर है तो इसमें हम चर्चा करेंगे तो आशा करता हूं कि आप लोग तैयार हैं। क्लियर है, है? तैयार हैं आप इस चीज के लिए मगध अंपायर और भी काफी सीरी चीजें चर्चा करेंगे लेकिन बस एक छोटा सा शब्द है मगध अंपायर लेकिन है बहुत बड़ा ये तो चर्चा करेंगे क्लियर है तैयार हो जाइए लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स मेरा नाम हिमांशु तिवारी लिस्ट उन एग्जाम्स की जो मैंने अपने जीवन में क्वालिफाई किए हैं आ, आपके लिए दो चीजें नई शुरू हुई हैं एक रोजगार निर्माण शुरू हुआ है एवरी सैटरडे को राइटिंग प्रैक्टिस संडे को और बाकी जो पांच दिन है उसमें आपको एडिटोरियल मिलता है और भारत रत्न की सीरीज थी लेकिन अभी हम कुछ उसमें ऑल्ट्रेकेशन कर रहे हैं तो जो भी जया नया अपडेट होगा आपको जल्दी बता दिया जाएगा यह मेरा अन का प्रोफाइल है भाई फॉलो कर लीजिएगा तो जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और अफेयर्स होते हैं करंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं ऑब्जेक्टिव uh, जो कराए जाते हैं रोजगार निर्माण के वो आपको यहां पर मिलेंगे तो डू प्लीज फोकस ऑन इट और ये कोर्स है देखो 2020 का ये कोर्स ऑलरेडी चल रहा है 2020 और 21 का कोर्स आ रहा है मैं आपको देता हूं डेट 30 मई और 31 मई ये दो डेट है लॉन्चिंग तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्त ज्वाइन कर लो फायदा होगा कैसे ज्वाइन करोगे अनएकेडमिक एप्लीकेशन डाउनलोड करो यहां पे सेलेक्ट करो आपका कोर्स और कोर्स सेलेक्ट करने के बाद फीस भरनी पड़ेगी आपको एक छोटी सी एक साल की तिरसठ सौ रुपए है बहुत कम है ये बहुत नॉमिनल चार्ज है दो साल की है सात हजार पांच सौ साठ रुपए तो दो साल के लिए जाएंगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल क्योंकि आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है और थोड़ा बहुत प्री भी पढ़ना है मेन्स तो खैर हम लोग आठ दस महीने में कर लेंगे दो चार छः महीने ऊपर नीचे भी होता रहता है पी इसलिए दो साल का लेना ठीक है कोड क्या लगाना पड़ेगा आपको एच के टी लाइव ओके तो ये कोड है लगा के अप्लाई करिए डिस्काउंट पाइए और सबमिट कर दीजिए ये ये इंक्वायरी नंबर सबके मोबाइल में सेव होना चाहिए और इस नंबर पे हेलो भेज दीजिएगा ताकि आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लिया जाए और आप जो भी सवाल हैं जो भी अपडेट्स हैं वो सारे आपको व्हाट्सएप पर प्राप्त होते रहेंगे ठीक है अब सिंपल सा समझो कि हमने एक सवाल दिया था अब ये पहले इकतीस सवाल है टोटल मैं आप पहले हम सवाल देख लेते हैं उसके बाद हम चर्चा करेंगे आप समझो सवालों का पैटर्न क्या है एक चीज की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं पीएससी आपको कितना भी घुमा ले कितना भी टप सवाल पूछ ले इससे ऊपर नहीं जा पाएगा पीएससी क्लियर है जितने सवाल बन सकते हैं मगध मौर्य काल से सारे के सारे हमने दे दिए हैं जितनी चीजों से रिलेट कर सकते थे आप सारी की सारी चीजें रिलेटेड हैं तीस इकतीस सवाल हैं इसको आपने एक बार कर लिया तो अब इससे बाहर सवाल नहीं पूछा जा सकता है मुझे ऐसा लगता है क्योंकि लगभग सब है इसमें क्योंकि इसी में आप लिखोगे तो आपके आंसर रिपीट होने लग जाएंगे है ना बहुत सारे बच्चों ने आंसर लिखे और बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला भी है कि सर आंसर रिपीट हो रहे हैं क्या करें तो आपने कुछ कुछ पॉइंट्स मेंशन करके आगे बढ़िए ठीक है देखिए देखिए पहला सवाल एग्जामिन द नेचर ऑफ मौर्यन स्टेट मौर्य काल की प्रकृति कैसी है ब्रिंग आउट द फीचर्स ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तो मौर्य काल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ज्यादा शानदार माना जाता है क्यों माना जाता है भाई तो आपको पता ही है कौटिल्य जैसे महारथी लोग है ना जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी वो इन्हीं के जमाने में हुए तो उन्हीं का एडमिनिस्ट्रेशन सबसे ज्यादा अच्छा होगा अर्थशास्त्र में क्या क्या चीजें लिखी है मैं आपको दो चार पॉइंट बताता हूं अर्थशास्त्र में यह लिख दिया गया कि आप जीतो कैसे जीतने के बाद एक्सपेंशन कैसे करो एक्सपेंशन करने के बाद आप शासन कैसे चलाओ शासन व्यवस्था में डे टू डे चीजें कैसी होनी चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे होने चाहिए एक एक चीज अगर आपको सच में राज्य चलाना है तो अर्थशास्त्र पढ़िए और अर्थशास्त्र में एक एक चीज है तो जब वही व्यक्ति प्रधानमंत्री हो तो आपको क्या दिक्कत है क्लियर है तो आपको इसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम लिखना पड़ेगा बहुत अच्छा और बहुत तगड़ा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम माना जाता है मौर्य काल का दूसरा सवाल कॉन्सेप्ट ऑफ अशोक का धम्म सबसे पहले तो दोस्त आपको पता होना चाहिए कि धम्म का मतलब क्या है वट डू यू मीन बाई धम्म मैं भी आज सवाल पे आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि धम्म का मतलब क्या है है ना और यह बताना है कि जो इसके इंस्क्रिप्शन हैं उनकी जड़ें जो हैं वैदिक काल और उपनिषद लिटरेचर से हैं डिस्कस करना है आपको तो अशोक के धम्म की बात देखो क्या बात कर रहा है वैदिक उपनिषद लिटरेचर इसका मतलब समझते हो इसका मतलब क्या है क्या सवाल पूछ रहा है तुमसे वैदिक काल से रिलेट करने की कोशिश कर रहा है अशोक का धम्म क्या था धम्म का मतलब क्या था यह आपको पता होना चाहिए और अगर आपने ये चीजें सही से पढ़ी हैं, तो आप तुरंत रिलेट कर लोगे कि वैदिक काल और उपनिषद लिटरेचर से इसका क्या मतलब है बहुत आसान सवाल है लेकिन जिसको जिसने पढ़ा नहीं क्लियरली कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए इस तरह के सवालों को पकड़ने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए आपका एकदम कॉन्सेप्चुअल आपसे देखिए ये सब फैक्चुअल सवाल नहीं है ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है सबको पता है कि अशोक के कितने इंस्क्रिप्शन हैं अशोक का धम क्या है और अशोक ने क्या क्या किया सबको पता है लेकिन क्या आप उसको वैदिक काल से और उपनिषद लिटरेचर से जोड़ के लिख पाओगे अब क्या लिखोगे लिखोगे भी तो सोचो जिन लोगों ने नहीं लिखा बहुत सारे लोगों ने आंसर लिखा है मैं आप बता रहा हूं बहुत अच्छा लिख रहे हैं बच्चे बहुत अच्छा और बहुत सारे बच्चों ने लिखा है जिन लोगों ने नहीं लिखा है वो ट्राई करें अभी ट्राई करें पांच दस मिनट का समय आपके पास तब तक हम क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं ठीक है सोचिए जब हमें आपसे अभी एक एक सवाल पर डिस्कशन करेंगे तो अपने पॉइंट्स दीजिएगा मौर्य डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ मौर्य अंपायर आसान सवाल है ये सबने किया होगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसमें अगला सवाल देखो बुद्धिज्म जैनिज्म वर सोशल मूवमेंट्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अ रिलीजन कमेंट बौद्ध और जैन धर्म किसी धर्म के अंदर एक धर्म सुधार आंदोलन थे इस पे कमेंट करिए तो ये बहुत आसान सवाल है इसके ऊपर मैंने करीब बहुत बार चर्चा कर लिया है कि धर्म जो बौद्ध धर्म है जो जैन धर्म है ये बेसिकली एक तरह से धर्म सुधार आंदोलन थे क्षत्रियों द्वारा चलाए गए थे जिसमें ब्राह्मणों के खिलाफ बातें कही गई खिलाफ मतलब कि उनमें सुधार की बातें कही गई कि आप ये चीजें गलत कर रहे हो ब्राह्मण का क्या मतलब है आपको पता है उपनिषद की रचना किसने की उपनिषद जिसको वेदों की आत्मा कहा जाता है वो क्षत्रियो ने लिखी क्यों लिखी ताकि जो ब्राह्मण है जो ब्राह्मणिज्म है जो सही वेद में लिखा गया है उसका पालन हो ना कि उन चीजों का डिस्टॉर्शन हो और अलग अलग तरीके से आप चीजों का पालन करना शुरू करो ठीक है जैसे बलि है गिफ्ट गिफ्ट है लोगों पे अत्याचार है ये सारी की सारी चीजें ब्राह्मण उस समय करने लगे थे करप्ट हो गए थे जैसे हम बात करेंगे मान लो बुद्धिज्म है तो बुद्धिज्म कितना बड़ा फैला अशोक या इतने सारे बड़े बड़े राजा है जिन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया कनिष्क तो कनिष्क को बौद्ध धर्म का संरक्षक भी कहा जाता है मेरे ख्याल सवाल भी आया हुआ ये है तो इन लोगों ने बौद्ध धर्म को इतना उठाया फिर अचानक से बौद्ध धर्म का पतन क्यों हो गया आप खुद से सोचो कि बौद्ध धर्म का पतन क्यों हो गया क्यों क्योंकि उसमें भी ये गिफ्ट वाली प्रथा महायान मूर्ति पूजा याद करो सब क्लियर है तो वो सारी चीजें आ गई तो ये एक तरह से धर्म सुधार आंदोलन था और ये सिंपल सा सवाल है इसमें कुछ नहीं है इसमें सारी की सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं और अभी मैंने हिंट भी दिया आपको कि किस तरीके से था आप देखो जो जैन धर्म के संस्थापक बोले जाते हैं कौन महावीर है ना वर्धमान महावीर जी और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन कहे जाते हैं सिद्धार्थ गौतम बुद्ध दोनों के दोनों क्षत्रिय खुल के हैं दोनों के दोनों क्षत्रिय हैं क्लियर है चलिए अगला सवाल हाउ डिड अशोका कंट्रीब्यूट टू द मोरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वेलफेयर ऑफ हिज पीपल लेडीज एंड जेंटलमैन ये सवाल पीछे वाला एक सवाल था तीसरे नंबर का और वो तीसरे नंबर के सवाल का क्या मतलब था अशोक का धम्म क्या है समझ रहे हो क्या अशोक ने अपने लोगों का जैसे एक तो वेलफेयर हो गया दूसरा मोरल हो गया तो ये मोरल वाला जो पॉइंट है इसको धम्म से रिलेट करके लिख सकते हो क्या इसको आप धम्म से रिलेट करके लिख सकते हो क्या इसको आप अगर धम्म से रिलेट करके लिख सकते हो तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपके आंसर को बहुत अच्छा बना सकता है क्लियर है आप समझिएगा ये मोरल जो पॉइंट है इसको आप धम्म से जोड़ करके लिख सकते हो क्या जो तीसरा पॉइंट था अब ये सवाल आने के लिए आपको तीसरा आंसर आपने लिखा हुआ होना चाहिए जो कि अशोक का धम है समझिए देखिए सवालों का पैटर्न देखिए आप और मैं अभी आपको बताऊंगा कि जिन लोगों ने इसको लिखा है तो आप ने कितनी बड़ी जो है आपकी अचीवमेंट है ये आगे देखिए आप लोग अपने अपने पॉइंट्स मेंशन करते रहिएगा करंट कमेंट बॉक्स में हम चर्चा करेंगे उस पर डिस्कस द नेचर ऑफ अशोक धम्म अशोक के धम्म का नेचर कैसा था अब अब यहां पे देखिए क्या जोड़ रहा है ये क्या पूछ रहा है कि क्या ये रेस्पॉन्सिबल था जो अशोकन अंपायर या जो मौर्यन अंपायर है उसके डाउनफॉल का उसके पतन का जिम्मेदार है अशोक के धम्म के स्वरूप पर चर्चा करें क्या यह उसके साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार था बहुत एक तरफ लोगों के हम मोरल करेक्टर की बात कर रहे हैं वेलफेयर की बात कर रहे हैं और उसमें मैंने आपसे बोला कि धम्म जोड़ दो और फिर अगला ही सवाल आपसे कह रहा है कि क्या यह मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार था उसमें भी धम्म जोड़ दो क्लियर है तो देखते हैं कि आप क्या सच में लेखन शैली है आपके पास लेखनी की कला है आपके पास क्या आप चीजों को कॉन्सेप्चुअली जोड़ सकते हैं बहुत आसान है अगर आपने इस चीज का एक एक ही पॉइंट पकड़ना है कि इसका पॉजिटिव क्या था और उसका नेगेटिव क्या था पॉजिटिव मोरल वाले करेक्टर में चला जाएगा वेलफेयर में चला जाएगा और जो निगेटिव वाला है वो यहां पर आ जाएगा क्लियर है आगे देखिए सवाल है कि क्रिटिकली एग्जामिन द सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ मॉडर्न डायनेस्टी अर्थशास्त्र है आपके पास हाउ आर द यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन अर्थशास्त्र है आपके पास क्लियर है अर्थशास्त्र से आपको बहुत सारी चीजें पता चलती है ओके और सास को ही बेस मान के आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं खैर आगे देखेंगे और के बहुत सारे पार्ट हैं ठीक है ब्रिंग आउट द एलिमेंट्स ऑफ चेंज एंड कॉन्टीन्यूटी इन द डोमेस्टिक एंड फॉरन पॉलिसीज ऑफ अशोक अशोक की घरेलू और विदेशी नीतियों में परिवर्तन और निरंतरता के तत्वों को सामने लाइए तो आपको यह लिखना है कि अशोक का फॉरेन पॉलिसी कैसा था तो इससे आप कैसे जोड़ोगे आप थोड़ा सोचो इस सवाल पे थोड़ा सा सोचो कि अशोक की फॉरेन पॉलिसी को आप कैसे जोड़ोगे कभी मैं अभी आपको 12-15 बच्चों की कॉपीज दिखाऊंगा आप निश्चिंत रहिए ठीक है थीके? एक एक सवाल पर हम बहुत डिटेल चर्चा करेंगे इस पॉइंट पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अशोक की जो विदेशी नीतियां थी वो क्या थी और कैसी थी कमेंट बॉक्स में बताइए चर्चा करेंगे हम इस पर डू यू थिंक द इकोनॉमिक फैक्टर्स वर सिबल फॉर द डिसंटीग्रेशन ऑफ मॉरियन अंपायर याद करिए जब अशोक ने धम्म शुरू किया तो जो पिलग्रमेज है जैसे बोध गया हो गया कुशीनगर हो गया या फिर लुम्बिनी हो गया तो यहां पर इस तरह की यात्राएं शुरू की गई और उसने सोना चांदी सारनाथ ये देख रहे हैं आप तो यहां पर इतनी सारी चीजें दान देना शुरू कर दिया और टैक्स फ्री कर दिया बहुत सारी चीजें बनवाई गई उससे नुकसान हुआ क्या देखो यहां पे इकोनॉमिक फैक्टर लोगों का टैक्स बंद कर देना माफ कर देना इससे क्या हो रहा है इससे नुकसान हो रहा है क्या शांतिप्रिय आप ज्यादा होते जा रहे हैं क्या इकोनॉमिक फैक्टर्स इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं क्या मॉडर्न अंपायर के डिस के कारण सोचिए थोड़ा सा आगे देखिए अशोकाज पॉलिसीज ऑफ धम्मा एंड अकाउंट्स फॉर इट्स फलोर अब एक देखिए अशोक की धम्म नीति का विश्लेषण करें और उसकी विफलता का लेखा जोखा करें विफल है क्या नीति या सक्सेसफुल है पहले तो आपको ये समझना है कि क्या जो अशोक की है है वो सक्सेसफुल या फेल है अगर सक्सेसफुल है तो उसके पक्ष में लिखिएगा कुछ पॉइंट्स अगर फेल है तो कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव लेखा जोखा रखना है आपको आगे देखिए एग्जामिन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द एंड डिस्कस ब्रीफली द कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मौर्य अंपायर मौर्यों की प्रशासनिक प्रणाली का परीक्षण करें और मौर्य साम्राज्य के विघटन के कारणों पर संक्षिप्त चर्चा करें यह सवाल घुमा के पूछ लिया क्या आपसे देखते रहिए सवाल सवाल की ब्यूटी देखिए आप लिखिएगा आंसर अलग है हर सवाल आपसे कुछ कहता है समझिएगा क्रिटिकली द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द डिफरेंट सोर्सिस हिस्ट्री ऑफ द मौर्य पीरियड मौर्य के इतिहास के लिए विभिन्नों के सापेक्ष महत्व पर गंभीर रूप से चर्चा करें अच्छा एक बात बताइए अशोकन इंस्क्रिप्शन अशोका के कितने सारे इंस्क्रिप्शन हैं उसमें उसका नाम क्या लिखा गया है देवनाम प्रियदर्शी लिखा गया क्या कि देवों का प्रिय क्लियर है देवनाम प्रियदर्शी उसको कब इन्फरेंट किया गया था कब उसको जो है पता किया गया कि इनफर किया गया कि इसमें क्या लिखा है और किसने इनफर किया था क्या जेम्स प्रिंसप ने उसको इनफर किया था क्या जेम्स प्रिंसप ने और करीब अठारह में किया था क्या तो क्या ये इसको भी आप इसमें जोड़ सकते हो क्या इंपॉर्टेंस में सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉर्न अंपायर बोलो लिख सकते हो क्या रॉक एडिट इंस्क्रिप्शन अच्छा ये भी बताना कि थर्टींथ में क्या लिखा है थर्टींथ वाले रॉक इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा है क्लियर है आगे देखो एक छोटा सा ऐसे लिखना है आपको किस पे मौर्य कोर्ट आर्ट एज, आ, अलियन आ, ग्राफ्टिंग के रूप में ठीक है एक विदेशी आलेख के रूप में लिखना है ठीक है तो आपको बताना है कि जो मौर्यन कोर्ट आर्ट है वो बाहरी कैसे हुआ क्या ग्रीक्स का इसमें बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस था और ग्रीक्स का इंफ्लुएंस था तो वो आया कैसे क्लियर है यह आपको समझना है और वो कैसे आया ये भी आपको यहां पे लिखना है मेंशन करना है मॉडर्न कोर्ट आर्ट मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर में ये दोनों चीजें पढ़ा रखी हैं ठीक है ठीके? आर्ट एंड कल्चर में मैंने आपको पूरा पढ़ाया हुआ कि किस तरीके की चीजें थी क्या क्या हुआ था कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं उस पर क्या क्या लिखा हुआ है ए टू जेड मैंने आर्ट एंड कल्चर पे इसमें पढ़ाया हुआ है आपसे आप इसको बहुत अच्छे से ड्राफ्ट कर सकते हैं बहुत अच्छे से ड्राफ्ट कर सकते हैं आगे देखिए मौर्य काल में प्रशासन डिस्कस द कंपेरेटिव मेरिट ऑफ अर्थशास्त्र द इंडिका अशोकन इंस्क्रिप्शन एडमिनिस्ट्रेशन सोशियो इकोनॉमिक तो कंडीशन एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द मॉर्रन पीरियड ये पूरा कंप्लीट हो गया ठीक है अर्थशास्त्र इंडिका और अशोकन शिलालेखों की तुलनात्मक योग्यता पर चर्चा करें तो ये पूरा कंप्लीट हो गया सिस्टम आप लिख सकते हैं इसमें कि क्या क्या मैंशन है चीजें आगे देखिए राइट एंड शॉर्ट एक्शन ऑन द मौर्य पॉलिसी ऑफ रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो इस पर भी आप कर सकते हैं कि किस तरीके से वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती थी किन चीजों को बढ़ावा दिया गया था किस तरीके से कौन कौन से प्रोडक्ट सेल आउट होते थे या फिर ये सारी चीजें क्लियर है जिसके बारे में हमें पता है और देखिए आगे एक और ऐसे लिखना है आपको कंटेंट्स ऑफ अशोका धम्मा एंड रीजन फॉर अशोकाज प्रोपोगेट धम्मा अशोक के धम्म की सामग्री और अशोक की उत्सुकता के कारण धम्म का प्रचार करना तो अशोक क्यों चाहता था धम्म का प्रचार करना यह इस पे आपको एक शॉर्ट ऐसे लिखना ठीक है थीके? पहले अचानक से भेरी घोष से धम्म घोष पे आ जाना क्या मतलब है इसका क्यों किया उसने ठीक है भेरी घोष मतलब युद्ध वाला सिस्टम और धम्म घोष मतलब बातचीत से चीजें हल होंगी क्लियर है याद करिए वो कलिंग का युद्ध जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए उसके बाद से अशोक ने धम्म अपनाया और धम्म के बाद क्या सिस्टम था क्या अशोक ने लोगों को धर्म बदलने के लिए प्रेरित किया क्या यह भी सवाल है समझिएगा अशोक ने क्या लोगों को धर्म बदलने के लिए किया क्या कि तुमको मोक्ष वगैरह मिल जाएगा तुम बुद्धिज्म में आ जाओगे तो ऐसा अशोक ने कभी नहीं कहा है अशोक एक बहुत सुलझा हुआ राजा था और उसने हमेशा लोगों को सिर्फ एक ही बात कही है कि बाबू आपका जो धम है धम इसका क्या मतलब होता है मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट जीवन जीने का तरीका आप एक तरह का डिसिप्लिन जो आप एक डेली लाइफ में करते हो कोड ऑफ कंडक्ट है धम्म ठीक है तो ये अपनाने को लोगों को बोला कि आप अपना मोरल कोड ऑफ कंडक्ट सही करो ताकि आने वाले आ, आ, वही धम्म है कुल मिला के अशोक के अशोक कोड ऑफ कंडक्ट है ठीक है इन्होंने धर्म परिवर्तन करने के लिए किसी को कहा नहीं आप मेंशन कर सकते हैं इसमें आगे देखिए अगला क्या है एक संक्षिप्त निबंध लिखिए पे मौर्य स्तंभ और क्या लिखा है इसमें राइट अ ब्रीफ एस ऑन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज बिटवीन द मौरियर कॉलम्स एंड आर्कमेडिनियन आर्कमेनियन पिलर्स ठीक है मॉरियन कॉलम्स एंड आर्कमेनियन पिलर्स अब समझिएगा ये कहां कहां है पहले तो आपको ये समझना है इसमें दो तीन चीजें और बतानी है आपको लिपि खरोस्टी लिपि याद आ रहा है आपको ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर आपको याद आता है याद करिए यह नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर यह वाला एरिया क्लियर है थोड़ा सा आपको लेक्चर देखना पड़ेगा एक बार और ठीक है आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं आगे देखिएगा एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ अशोकाज रॉक 13 देखिए सवाल यहीं से आएगा थर्टीन पूछेगा थर्टीन ही पूछेगा डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ मौर्य अंपायर डिड असोकाज पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉल ऑफ द अंपायर डिड अशोकाज पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉल ऑफ द अंपायर देखिए रॉक एडिक क्या था क्यों था पता है आपको क्लियर है नहीं पता है तो एक बार पलट लीजिए बहुत है सवाल यहीं से आएगा रॉक थर्टी रॉक एडिक थर्टीन से ही पूछेगा और इसमें पूछा जाएगा कि उसके बाद क्या अशोका की जो पॉलिसीज हैं जो रिफॉर्म्स हैं उसने मॉडर्न अंपायर का पतन करवाया तो देखिए पतन एक दिन में तो होता नहीं है सिंपल है किसी का भी अगर पतन है तो वो एक दिन में तो होता नहीं है उसके लिए प्रॉपर समय लगता है लंबा समय लगता है है ना आगे देखिए डिटरमाइन वेरासिटी ऑफ मेगास्थनीज डिस्क्रिप्शन सोसाइटी एंड इकोनॉमी हेल्प ऑफ अदर कंटेम्प्री एविडेंसेस अन्य समकालीन साक्ष्यों की मदद से भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था के मेगास्थनीज के विवरणों की सत्यता का निर्धारण करें तो मेगास्थनीज ने किताब लिखी है आपको पता है उसका नाम मैं आपको बताऊंगा कुछ नहीं सब आप ही को पता करना है आज क्योंकि ये सारी चीजें आपको पता है ठीक है कौन सी किताब लिखी है उसमें किन किन पॉइंट्स पे चर्चा की गई है उसकी विवरणों की आपकी सत्यता की जांच करनी है उसके सक्ष में पॉइंट लिखने अगला सवाल राइट ऐसे ऑन इंस्क्रिप्शन बहुत ही आसान सवाल इससे आसान सवाल नहीं होगा ठीक है तो सबने लिखा होगा राइट अ शॉर्ट ऐसे ऑन मौर्यन म्यूनिपल एडमिनिस्ट्रेशन तो मौर्य मौर्यों का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बारे में आपको चर्चा करनी है एक पूरा सिस्टम है है बना बनाया ठीक तो उसके ऊपर चर्चा करनी है कि कौन कौन लोग थे कौन रेवेन्यू मिनिस्टर था कौन लॉ मिनिस्टर था कौन जासूब था क्या क्या था पूरा एक ऊपर से लेकर नीचे तक आप चर्चा कर दो आगे देखो राइट अ शॉर्ट ऑन द राइटिटेक्चरल एंड आर्टिस्टिक फीचर्स ऑफ द ग्रेट सांची ये आप पूरा ये पूरा पूरा आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर में मैंने आपको समझाया हुआ है कि उसमें क्या क्या चीजें हैं सांची का स्तूप कैसे बना है उसके बाहर की चीजों को क्या कहते हैं ठीक है तोरण द्वार क्या है उसके पर कलाकृतियां क्या हैं, ठीक है ठीके? और आपको पता ही है कि ये सांची के स्तूप बने क्यों सबसे पहला तो सवाल यह है सबसे पहला सवाल है कि बने क्यों और जब उनका पहले का स्ट्रक्चर था तो वो कैसा था ये सारी चीजें आपको ए टू जेड पता है और वही चीजें इसमें लिखनी है अभी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि ये सवाल क्या है सवाल इतने इंपॉर्टेंट क्यों है एग्जामिन द सोसेज इंफॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न डायनेस्टी थ्रू लाइट ऑन हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शन तो अशोका के जो इंस्क्रिप्शन हैं उनकी आप समझिए कि ऐतिहासिक महत्व तो क्या है उसका उसका ऐतिहासिक महत्व क्या है कि भैया हमारे पुरखे कैसे थे तो 1837 में जेम्स प्रिंसअप ने जब पता किया तो उनको समझ में अच्छा तो हमारा देश ऐसा था आपसे जो मॉडर्न हिस्ट्री में ये बच्ची पढ़ते हैं हम लोग कि अच्छा हमारा देश इतना बड़ा था और वो भी अकेला तो राष्ट्रवाद की भावना का भी हमारे अंदर संचार करता है इंपॉर्टेंट है ये इस पॉइंट को अच्छे से लिखिए हाउ डिड अशोकाज कंट्रीब्यूट टू द मॉरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वेलफेयर ऑफ इस पीपल बहुत आसान सवाल है ये रिपीट हुआ है ठीक है एनालाइज द कॉज एंड सक्सेस ऑफ द मगधन इंपीरियलिज्म अप टू द राइन ऑफ अशोका द ग्रेट अशोका का के द ग्रेट लगता है समझिएगा ठीक है महान शासनकाल तथा तो मगध साम्राज्यवाद की सफलता के कारणों का विश्लेषण करिए तो सबसे पहले तो ये लोग जहां रहते थे पानी की प्रचुर मात्रा थी नदियों से घिरा हुआ पहाड़ों से घिरा हुआ जंगलों से घिरा हुआ जंगलों से मिलते थे इनको हाथी जंगलों से मिलती थी इनको लकड़ियां और जंगलों के उत्पाद पानी था मतलब नदियां थी तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत आराम से कर लेते थे जहां भी जाना है पानी के रास्ते नाव बना के जल्दी से ट्रांसपोर्ट कर लेते थे याद करो क्या मगधन एंपायर में जितने भी लोग हुए सबके सब ग्रेट फाइटर थे क्या अशोक द ग्रेट फाइटर था क्या धनानंदा फाइटर था क्या पद्मनंदा फाइटर था क्या बिंदुसार फाइटर था क्या क्या ये सारे लोग फाइटर थे बड़े बड़े फाइटर थे याद करो ये शायद हमने आपको बताया है पूरा एक एक चीज है और इतनी सारी चीजें इसके अलावा आप देखोगे तो वो जो बिहार का पूरा एरिया है उसके आसपास लोहा पाया जाता है क्या छत्तीसगढ़ उड़ीसा इधर लोहा पाया जाता है क्या तो इन्होंने लोहे का बहुत तगड़ा उपयोग किया क्या क्लियर है इन्होंने जो लोहा है उसका उपयोग किया क्या लोहा का बहुत अच्छा उपयोग किया क्या क्लियर है तो ये आयरन का जो जिस तरीके से इन लोगों ने इस्तेमाल किया युद्ध में तो उ, उस चीज ने इनकी सफलता दिलवाई सफलता में मदद की लिखना है आपको एग्जामिन द द नेचर ऑफ ऑफ स्टेट ब्रिंग आउट फीचर्स देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फिर से वही सवाल है रिपीट हो रहा है डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ मॉरियन एम्पायर एक बार फिर से रिपीट हो गया एग्जामिन द रोल ऑफ अध्यक्ष इन द मॉरियन एडमिनिस्ट्रेशन अगला सोशल नॉर्म्स फॉर वुमेन इन द धर्म धर्मशास्त्र एंड अर्थशास्त्र ट्रेडिशन इन अकॉर्डेंस विद द वर्ण विदा ट्रेडिशन ठीक है वर्ण आश्रम ट्रेडिशन इवेलुएट क्रिटिकली ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है ठीक है महिलाओं से रिलेटेड है तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है इस पर हम चर्चा करेंगे धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र की परंपरा में महिलाओं के लिए सामाजिक मानदंड वर्णाश्रम की परंपरा के अनुसार बनाए गए थे आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए तो महिलाओं की स्थिति कैसी है बेसिकली आपको उस हिसाब से थोड़ा सा इसमें लेके आना है चलेंगे करेंगे चर्चा डिस्कस द डिफरेंट एंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरियंस अबाउट द नेचर ऑफ अशोकाज धम्मा डिड हिज प्रिंसिपल ऑफ धम्म विजय रेंडर द मोरियन एम्पायर मिलिट मिलिट्रिस्टिकली वीक सिंपल है जब लड़ोगे है नहीं जब लड़ोगे है नहीं आप बात करोगे शांति की अहिंसा की तो जिस चीज की हम बात करेंगे वही चीज आगे बढ़ेगी और जो चीज हमारे पास थी वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी चलो तो ये थे इकतीस सवाल लेडीज एंड जेंटलमैन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये इकतीस सवाल यूपीएससी के हैं किसके हैं यूपीएससी के सवाल यूपीएससी में मॉडर्न अंपायर से जितने भी सवाल पूछे गए थे वो सारे के सारे मैंने आपको दे दिए और मैं आपको बताना चाहता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन कि जितने भी बच्चों ने इसका आंसर लिखा है वो बहुत अच्छा लिखा है बहुत सुंदर आंसर लिखे गए हैं और एकदम टारगेट पर हैं तो आप अगर ये क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो आप यूपीएससी भी दे सकते हैं आप निश्चिंत रहिए इतना तो आपका मोरल ऑटोमेटिक बूस्ट हो रहा है कि आप यूपीएससी भी दे सकते हैं क्लियर है तो ये तीस इकतीस क्वेश्चन थे जिनके ऊपर हमने कंप्लीट चर्चा की और लगभग लगभग अब हम इस पर दिखाएंगे मैं आपको दिखाऊंगा कॉपीज कि बच्चों ने किस तरीके से इस पर आंसर लिखे हैं ठीक है अगर आप चाहोगे तो मैं आपको एक बार मौर्यन साम्राज्य रिवाइज जरूर करा दूंगा ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि क्वेश्चन आंसर पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं उसके बाद अगर समय बचेगा तो मैं आपको मौर्य एक बार चलिए मैं आपको दिखाई देता हूं ठीक है एक बार मैं आपको मौर्य साम्राज्य रिवाइज करा देता हूं उसके बाद आगे बढ़ते हैं ठीक है तैयार हैं आप लोग रिवाइज करने के लिए चलो तो महाजनपद मगध का उदय पर्शियन और ग्रीक का घुसपैठ पर्शियन और ग्रीक घुसपैठ पे बात करेंगे पहले महाजनपद फिर मगध फिर पर्शियन ग्रीक घुसपैठ फिर मौर्य साम्राज्य मौर्य साम्राज्य क्यों पढ़ेंगे तो ये भी एक वंश है मगध के अंदर क्योंकि ये बहुत बड़ा वंश है इसलिए इस पर चर्चा करेंगे बाकी सब पे कम चर्चा करेंगे ठीक है चलो तो सबसे पहले देखो महाजनपद क्या होता है तो महाजनपद के बारे में हमें हमें सबसे ज्यादा जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो किसके मिलती है अंगूतर निकाय अंगूतर निकाय के बारे में अंगूतर निकाय बौद्ध साहित्य है और भगवती सूत्र जैन साहित्य है तो ज्यादा तर जो इतिहासकार है वो अंगूतर निकाय को सही मानते हैं क्योंकि इन दोनों में जो महाजनपद तो आ... तो है, है वो जमीन के लिए युद्ध करने लगे एक जगह रहने लगे खेती वगैरह करने लगे काफी कुछ उनको पता चलने लग गया ठीक है तो पहले वो लोग घूमते वगैरह थे लेकिन अब घूमना उन्होंने बंद कर दिया अब एक जगह रहते थे वहीं पे अपना पूरा चलते थे और अब युद्ध किस लिए होते थे तो जमीन जायदाद के लिए युद्ध होते थे ठीक है सोलह महाजनपद कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है अंगाखा अवंती चेदी गांधार काशी कंबोजा कौशल सूरसेना और वत्स जन से बना जनपद और जनपद से बना महाजनपद क्लियर है सबसे शक्तिशाली जनपद कौन से थे वत्स अवंती मगध और कौशल वत्स अवंती मगध और कौशल याद रहे ये पूछा जा सकता है सवाल आपसे देख लो बाबू सोलह जनपदों का पूरा मैप है ठीक है देख सकते हो यहाँ पे आप कोसल पांचाल कुरू मत्स्य सूरसेना काशी, ये है मगध अंपायर आपका बिहार वाले एरिया में अंग ठीक है तो ये सारे के सारे हैं ये उज्जैन आपका ये विदिशा ठीक है त्रिपुरी ओके चलो मगध क्या है भाई तो मगध आधुनिक समय में बिहार छठवीं से दूसरी शताब्दी तक करीब चार साल चार सौ साल शताब्दी ईशापुर सबसे शक्तिशाली महाजनपद क्यों था क्योंकि इन्होंने दिमाग लगाया शादी वहां की जहां पे सामने वाला भी मजबूत हो तो वो भी हमारा ही राज्य हो गया फिर है ना तो ये वैवाहिक गठबंधन इन्होंने बहुत अच्छे किए जितने भी राजा थे ये देखो सवाल आया था ये सवाल देखो यूपीएससी में पूछा गया था ये सवाल सीधा यूपीएससी वाला है मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं लिख लेना कि मगध के सफलता सफल, सफल होने के क्या रीजन थे तो एक तो भैया वैवाहिक गठबंधन है सबसे शक्तिशाली महाजनपद है वैवाहिक गठबंधन है और जितने भी राजा थे वह युद्ध में निपुण थे ठीक है अशोका के बारे में बात कर लें तो अशोका ने लोग कहते हैं कि अपने काफी सारे भाइयों की हत्या कर दी है ना छोटा बेटा था लेकिन उसको बनना था राजा तो बनना था तो उसने सबको मार दिया और राजा बन गया मगध राजवंश में छह वंश आएंगे बाबू ये तुमको याद होने चाहिए क्योंकि क्रोनोलॉजी का अगर क्वेश्चन आ गया तो फंस जाओगे ठीक है कि कौन सबसे आया कौन बाद में आया तो सबसे पहले हरण्यक शिशुनाग नंद और नंद के बाद मौर्य शुंग और कन्व ठीक है तो आप इसको याद कर लो इंपॉर्टेंट है ये कैसे भी याद करना चाहो याद कर लो बस तुम एच हरण्यक शिशुनाग नंद एम एस के एच एस एन एम एस के कुछ तो भी याद कर लो आप एच एस एन एच एस एन एम एस के हरण्यक शिशुनाग नंद मौर्य शुंग कन्व तो ये आपको याद होना चाहिए सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया ठीक है तो सिंपल सा सवाल है कर लो आगे देखो तो सबसे पहले बात करेंगे वंश की तो बिम्बिसार बिम्बिसार बोला जाता है कि बुद्ध का समकालीन था ठीक है बुद्ध से इसकी मुलाकात हुई थी ठीक है और इसके में राजधानी कहाँ थी राजगीर में वैवाहिक गठबंधन कहाँ थे कोसल से थे लिच्छवी वैशाली प्रिंसेस और इस वजह से इसने अपनी स्थिति मजबूत की ठीक है अगला देखो अजात शत्रु के तहत अंगा का अधिग्रहण किया लिच्छवी की राजकुमारी आजाद शत्रु इसने अपने पिता को ही मार डाला क्योंकि इसको सिंहासन पर बैठने की बहुत जल्दी थी ठीक है तो सफल रहा अपने पिता को मार डाला कौशल और वैशाली के साथ जो कि इसका ननिहाल था जहां की माँ थी उन्हीं से लड़ाई कर लिया और दोनों को जीत लिया ठीक है इसने फिर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया अपना लिया और जो पहली बौद्ध संगोष्ठी थी लेडीज एंड जेंटलमैन याद करिएगा सबसे पहला सवाल यही आता है पहली बौद्ध संगोष्ठी अजात शत्रु के समय में हुई थी ठीक है राजगीर में रा वै पा कु ठीक है ये याद रखिएगा ये शॉर्ट फॉर्म है राजगीर और अगली कहां होगी वैशाली उदयन तो अजात सत्री का उत्तराधिकारी है पाटलिपुत्र अपनी राजधानी शिफ्ट कर दिया कहां से राजगीर से पाटलिपुत्र ले आया और ये ही मरा तो हरण्यक वंश खत्म होता है आगे देखो ये इतना था उस समय हरण पूरा मगध अंपायर ठीक है तो यहां तो इनका डायरेक्ट रूल था इधर शादीवादी वाला रूल था ठीक है आगे देखो शिशुनाग आएगा तो हरण्यक के अधीन मंत्री था शिशुनाग ने उसको मारा और खुद गद्दी पर बैठा अवंती के साथ युद्ध समाप्त किया इसने क्या किया अपनी जो राजधानी थी वो राजगीर से कहा लेके चला गया वैशाली सॉरी पाटलिपुत्रा से कहा लेके चला गया वैशाली और इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट राजा है काल अशोक तो इसके समय में दूसरी बहुत संगोष्ठी हुई तीन सौ तिरालीस में कहां पे हुई पाट उसके बाद इसने क्या किया पाटलिपुत्र जो है अपनी राजधानी वापस लेके चला गया आप ये समझिएगा पहला तो राजगीर में हो गया दूसरा कहां पे वैशाली में ठीक है तो काल अशोका के समय वैशाली आगे देखो नंदवंश तो महापद्मनंद क्षत्रियों का विनाशक कहा जाता है इसको इसने बहुत सारे क्षत्रियों को मारा ठीक है इसके बारे में राजा खारवेल ने एक हाथिम गुंफा शिलालेख मिलता है जिसके बारे में बोला गया है कि नंदो ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी धनानंदा के समय में सिकंदर का आक्रमण हुआ था ठीक है धनानंदा के समय किसका आक्रमण हुआ था सिकंदर का आक्रमण हुआ था अब यहां पर देख लो ये इतना बड़ा एरिया हो चुका है देखो ये 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 सीमाएं देखो आप नंदवंश की ठीक है इतनी बड़ी सीमाएं हैं नंदवंश के समय मगध की सफलता के कारण क्या थे तो आप देखो राजगीर की जो लाभप्रद भौगोलिक स्थिति है सिंपल है समृद्ध लव अयस्क थे वहां पे छत्तीसगढ़ है आपका उड़ीसा है ठीक है अभेद्य राजधानी है भैया पांचों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है पानी वगैरह है ही है वहां पे पानी का किला है गंगा और गंडक जैसी नदियां हैं गंगा गंडक सोन है ना और इन नदियों से घुरा घाघरा तो ये सारी की सारी नदियां हैं तो उधर से किसी पे भी आक्रमण करना है तो आसान काम नहीं है और उनके पास हाथियां थे हाथियां और लोग हाथी के नाम से ही डरते थे कि भाई हाथी दौड़ा दिया तो खत्म फारसी आक्रमण के बारे में बात करेंगे तो बिंबिसार के शासन काल में समकालीन 550 सौ पचास बीसी में फारस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है ये ये इधर खैबर पास से होके आते हैं और इधर पे हमला कर दिया और छोटे छोटे प्रांतों को जीत लिया उनका एक राजा था ठीक है साइरस और साइरस ने धीरे 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 हमारे यहाँ राजनीतिक असभ्यता थी असभ्यता मतलब सब लोग एकजुट नहीं थे और धीरे धीरे आक्रमण करके जो सिंधु के पश्चिम वाले जो इतने भी एरिए थे ना तो उनको जो है उसने कब्जा कर लिया फिर आता है डेरियस डेरियस कौन था ये साइरस का पोता था तो इसने और वाले एरिए सिंध पर भी इसने कब्जा कर लिया उसके बाद क्या हुआ ये देख लो आप ठीक है ये एरिया देख लो आप ठीक है ये मैप है आगे देख लो इसको पहचानते हो पिक्चर देखे हो थ्री हंड्रेड पिक्चर देखे हो थ्री हंड्रेड मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं ठीक है आप ऐसा मत समझना कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं कुछ मैं सिर्फ आपको रिवाइज करा रहा हूं आपके दिमाग में वो चीजें चली ही जाएं ठीक है मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं मैं आपको सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं ठीक है जिनको नहीं आता है वो भी देख लें थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा और जिनको आता है उनके लिए तो ठीक ही है ओके चलिए देखिए इसको पहचानते हो 300 मूवी देखे हो तो इसका नाम पता है क्या जर्क्शीज तो ये ओरिजिनल नाम है उस समय भी जर्कशीज था ठीक है देखो जर्कसीज ये डेरियस का उत्तराधिकारी है और इसने जो भारतीय सेना के जो घुड़सवार थे ना घुड़सवार पैदल सैनिक थे उनको अपनी सेना में ले लिया और ग्रीस के खिलाफ इसने युद्ध किया लेकिन ये थ्री हंड्रेड मूवी सही है वो जो थ्री हंड्रेड लोग थे ना उन लोगों ने जर्शीज को हरा दिया था वो मूवी में नहीं दिखाया गया बस मूवी में पता नहीं इनको क्यों हरवा दिया गया हारा असलियत में जक्सीस था ठीक है जकसीस हार गया था तो फिर वो आगे नहीं बढ़ा ठीक है और सिंधु पर फारसी नियंत्रण रहा और सिकंदर के बाद जो है भारत में फिर कोई आया नहीं बाहर से ठीक है अब फारसी आक्रमण का क्या प्रभाव है ये भी सवाल था तो आप समझो कि व्यापार शुरू हो गया भैया यहां पे ठीक है और जो उनकी जो लिपि थी खरोष्टी लिपि का भी एक सवाल था याद करो इंस्क्रिप्शन में है ना और इसके अलावा आरमाएक लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है दाएं से बाएं मतलब जैसे हम लोग लिखते हैं ए बी सी डी या फिर क ख ग कुछ भी लिखोगे तो ऐसे लिखोगे ना लेफ्ट टू राइट तो ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है इधर से इधर क्लियर है तो ये सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज अगर आपको लिखना हो तो यहां से नोट डाउन कर सकते हो ओके okay? बाबू अगला देखो भारत में फारसी कला का प्रभाव प्रारंभ हुआ और अगर तुमसे पूछा जाए कि भारत में ड्रामा कहाँ से आया ड्रामा ड्रामा अगर पूछ लिया जाए नाटक कहाँ से आया तो ये यहीं से आया है चलो सिकंदर का आक्रमण देखो तो मैसेडोनिया का था आ, सिकंदर और वह आगे बढ़ा और इसने जो है इतिहास के जो पितामा हैं फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस वो लिखते हैं कि भारत की तरफ आने का सिकंदर के कुछ कारण थे उनको ऐसा लगता था कि ये बहुत अमीर लोग हैं ठीक है यहां पे दुनिया उनिया खत्म हो जाएगी उसको ऐसा लगता था ठीक है तो इसलिए वो भारत आना चाहता था तो भारत इसलिए आया और ये समझता था कि यहां पे पैसा वैसा बहुत ज्यादा है और भारत को जीत लेंगे तो दुनिया में जीत लेंगे हम ऐसा था इसके दिमाग में इसलिए वो भारत आया तो आप देख लो यहां पे सिकंदर का पूरा सिस्टम है कि भैया सिकंदर कहां से कहां जीत के आया ये भारत है अपना ठीक है अब यहां से देखो आप सिकंदर ने कहा से कहां तक क्या क्या जीतना शुरू किया ठीक है देखो आप ये बेबी ठीक है वो वहां से पूरा उधर से एरिया जीत जात के यहां पे देखो ये यहां पे फिर ये वाला एरिया ये ये पूरा इधर ठीक उसके बाद मूवमेंट बैक ये इधर से बैक ये जीत लिया फिर ये यहां पे आए और ये इंडिया वाला एरिया है फिर ये यहां से वापस चले गए बैक फिर बेबी लोन जाके इनकी मृत्यु हो जाती है ठीक है जहर दे दिया किसी ने बत्तीस साल की उम्र में सिकंदर खत्म हो गया ओके तो ईरान पर विजय प्राप्त करने के बाद खैबर पास से भारत आया और भारत में आकर ही तकसीला का जो शासक था आम भी उसने बोल दिया साहब हम लड़ेंगे नहीं आपसे फिर उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ा तो झेलम और चिनाब नदी के पास उसको मिला व्यक्ति जिसका नाम था पोरस पोरस ने बोला हम नहीं झुकेंगे आपके आगे तो एक लड़ाई हुई हाइडसपस की लड़ाई तीन ईसा पूर्व पोरस बहुत बहादुरी से लड़ा और कुछ लोग कहते हैं कि पोरस जीत गया था ठीक है कुछ लोग क्या कहते हैं कि पोरस जीत गया था लेकिन असलियत में पोरस अब जीता था या नहीं जीता था हमें नहीं मालूम क्योंकि जो अच्छा ये हाइडसपस क्या है लिख देते ना सिंपल झेलम की लड़ाई है ना झेलम की लड़ाई लिख देते या चेनाब की लड़ाई लिख देते इनने हाइडस्पस की लड़ाई किया तो जो ग्रीक लेखक थे ना उनको भारत के नाम बड़े अजीब लगते थे ये क्या चेनाब झेलाम तो उन्होंने अपना नाम खुद से लिख लिया हाइडस्पस तो ये हमको पढ़ने में लगता है ये क्या है हाइडस्पस चेनाब झेलम लिखते तो हमको समझ में आता खैर या ठीक है तो पोरस के साथ लड़ाई हुई पोरस बहुत बहादुरी से लड़ा दो तीन दिन तक लड़ा खैर जीता नहीं और सिकंदर ने उसकी जो बहादुरी थी उससे प्रसन्न हुआ सिकंदर उसको बोला कि तुम मेरे दोस्त हो ये राज्य तुम्हारा हम तुमको वापस कर देते हैं ठीक है फिर जैसे ही ब्यास नदी तक वह आगे बढ़े तो उनकी जो सेना थी उन्होंने त्राहिमाम कर दिया कि भैया हम आगे नहीं जाएंगे कारण वहां पर हवा फैल गई कि जो राजा है धनानंदा उसके पास हाथियां हैं बहुत सारे और वो वॉर हाथी हैं और वो दौड़ा देंगे तो हमारी मृत्यु ऐसी हो जाएगी तो उनको लग रहा था यार हमारे लोग तो इतने मारे गए दस साल से हम लड़ रहे हैं अब पता नहीं जिंदा बचेंगे नहीं बचेंगे तो उन्होंने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे साहब आप आप देख लो हम नहीं लड़ रहे हैं हम वापस जाएंगे बहुत सारे लोगों की बीमारी हो गई थी बहुत सारे मर भी गए थे ठीक है सैनिक और भारत की भारत में गर्मी बहुत ज़्यादा है ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है और नंद सेना के जो हाथी थे तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो सेना थी सिकंदर की उसने बोला कि साहब अब हम चलेंगे वापस तो ये वापस चल दिए ठीक है फिर ये वापस चला गया और उसने जो राज्य जीते थे वहां पे बिठा दिया सेलुकस निकेटर सेलुकस निकेटर को अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले एरिया में बिठा दिया और बुला हम जा रहे हैं और वो चला गया बत्तीस साल की उम्र में उसको किसी ने जहर दे दिया और उसकी मृत्यु हो गई ठीक है सिकंदर का जो भारत पर आक्रमण हुआ उससे प्रभाव क्या हुआ तो आप देखिए कि व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ गया सांस्कृतिक प्रभाव पड़ेगा ग्रीक कला आएगी है ना जो नाटक शैली है वो आएगी ड्रामाज आए और भी बहुत सारी चीज़ें आई ठीक है और मौर्यों के जब अधीन भारत का ना एकीकरण शुरू हुआ एकीकरण कैसे कि अब जैसे सिकंदर आया तो इनको लगा यार हमसे तो कोई भी आके लड़ के जाएगा और हम तो ऐसे ही हार जाएंगे हम हम किस लिए राजा हैं तो ये सारी चीजें इनको समझ में आई तो इन्होंने सोचा कि साहब नहीं हम अब ऐसा नहीं करेंगे अब हम एकीकृत एक रहेंगे है ना यूनाइट रहेंगे तो यूनिटी बढ़ी किसी ने बाहर वाले ने आक्रमण किया तो यूनिटी बढ़ेगी बढ़ेगी सिंपल है तो वो बढ़ा ठीक अब बात करेंगे बाबू मौर्य साम्राज्य की देख लो चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे तीन सौ इक्कीस से दो सौ अंठानवे कौटिल्य के साथ कौटिल्य मतलब महान कौटिल्य चाणक्य बहुत विद्वान आदमी प्रणेता और भी जितनी बातें कह लो कह सकते हो तो उनकी मदद से इन्होंने नंदो को हरा दिया और नंदो को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा ठीक है साढ़े तीन सौ पांच में इसने जो है सेलुकस निकेटर सेलुकस निकेटर ने सोचा कि अच्छा अब तो धनानंदा है नहीं जब धनानंदा है नहीं तो नया शासक आया है एक काम करते हैं आक्रमण कर देते हैं और उसको हरा देते हैं तो ये सोच करके सेलुकस निकेटर ने आक्रमण कर दिया लेकिन हुआ उल्टा सेलुकस निकेटर खुद ही हार गए जब हार गए तो इनको जो अपनी बेटी है उनकी उनकी बेटी की शादी कर दी इसने अपनी ठीक है बदले में चंद्रगुप्त ने क्या किया इनको 500 हाथी दिए ठीक है इनका जो राज्य था उधर वाला वापस कर दिया ठीक है रखो तुम और बदले में एक दूत ग्रीक राजदूत जो है मेगास्थनी जिसने किताब लिखी है कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी किताब है वो तो उसने लिखा वो राजदूत के रूप में मौर्य दरबार में आ गया एक ग्रीक लेखक है जस्टिन उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रो कहा है क्या कहा है सेंड्रो कहा है चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म अपना लिया और भद्रबाहु के साथ वो चला गया कहा मैसूर कर्नाटक साइड ठीक है कहा है किसकी मूर्ति है बताओ श्रवण बेलगोल में श्रवण बेलगोल में किसकी मूर्ति है बताओ तो इसका जो पुत्र था बिंदुसार उसके पक्ष में उसने अपने सिंहासन बैठा दिया और खुद चला गया तो बिंदुसार गद्दी पर बैठेगा इसको बोलते हैं मित्र कहा यूनानी दो इसका मतलब होता है क्या दुश्मनों का कातिल कालिल जितने दुश्मन थे सबको इसने मार दिया ठीक है माइसूर तक इसने विजय प्राप्त की निकेटर के उत्तराधिकारी साइलुकस निकेटर के बाद आया एंटीओकस तो एंटीओकस ने राजदूत बदल दिया ठीक है राजदूत बदल दिया और उसमें जगह किसके रखा डिमेस्कस को मौर्यन दरबार में भेज दिया बिंदुसार का बेटा था अशोक तो बिंदुसार चाहता नहीं था अशोक को कि तुम गद्दी पर बैठो तो उसने क्या किया उसको उज्जैनी भेज दिया कि जाओ तुम जाके वहां पे विद्रोह हुआ है वो दबाओ अशोक चला गया उज्जैनी तो उज्जैनी लेकिन अशोक क्या बहुत ज्यादा ताकतवर था ताकतवर इन द सेंस की बहुत अच्छा वो लड़ाका था ठीक है तलवारबाजी और भी बहुत सारी चीजें जो है महारत हासिल थी उसको तो बिंदुसार ने उसको भेज दिया लेकिन खैर अशोक को तो राजा बनना था तो वो राजा बनेगा चाहे जैसे बने एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि बिंदुसार किस सांप्रदायिक या किस संप्रदाय का था ठीक है तो वो आजीवक दर्शन का अनुयायी था आजीवक मतलब समझते हो क्या होता है आजीवक मतलब होता है वो लोग जो बोलते हैं अरे सब लिखा हुआ है सब ये तो नियति है ठीक है तो मैंने स्कूल ऑफ फिलोसफीज पढ़ाया था आपको याद करिए स्कूल ऑफ फिलोसफीज पढ़ाया मैंने उसको आप बताया सब कुछ नियति का किया हुआ है तो यह आजीवक दर्शन है क्या है आजीवक दर्शन या आजीवक संप्रदाय के लोग हैं सब कुछ भाग्य पर निर्धारित है तुम कर्म करो चाहे ना करो जो होना होगा वो तो होगा यह कौन कहते थे बिंदुसार आजीवक संप्रदाय ज्यादा फेमस नहीं हुआ बिंदुसार से याद रख लो आप भैया ये इतनी सीमाएं हो चुकी हैं अब बिंदुसार के समय आते आते ठीक है सीमाएं देख लो आप ये वहां तक ये यहां तक ये यहां तक ठीक है अब आएगा अशोक अशोक आ गया तो अशोक जैसे ही आया जस्ट मिनट देख लो ये थोड़ा कुछ कट रहा रहेगा इसमें अशोक जैसे ही गद्दी पर बैठा तो अशोक ने तो फिर त, आ, जो सीमाएं हैं वो और बड़ी कर दी तो कलिंग आप समझिएगा कि आठवें शासनकाल वर्ष के साथ विजयी युद्ध सबसे अधिक अशोक के शासनकाल और अशोक पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा अशोक ने रॉक देखिए अशोक ने आते ही सब जीतना शुरू कर दिया सब जीतना शुरू कर दिया क्योंकि ये बहुत महत्वाकांक्षी था लोग कहते हैं कि इसने अपने 100-200 भाई बहन मार दिए ठीक है 100-200 पिक्चर भी है अशोक का ठीक है देखिएगा थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा लेकिन ऐसा अशोक नहीं था वो तो कुछ ज़्यादा ही हाईफाई दिखा दिया गया है कि अशोक नहा रहा है अशोक प्रेम कर रहा है तो अशोक वैसा था या नहीं था अभी तो इतिहास में पता नहीं चलता है अभी तो फिल्में हैं जैसे करवा चौथ का व्रत होता है तो उसका भी फैंटेसी बना दिया गया है व्रत नहीं रह गया है वो चर्चा की थी हमने इस पर है ना तो रॉक एडिक्ट थर्टीन है तो उसमें यह वर्णित है कि भैया कलिंग पे ऐसा ऐसा उस समय समझो एक लाख का जिक्र मिलता है कि एक लाख लोगों की मृत्यु हुई थी इसमें ठीक है तो एक लाख लोगों की मृत्यु समझो भारत की जनसंख्या कितनी रही होगी उस समय कम रही होगी उसमें एक लाख लोग मर जाएंगे तो क्या असर पड़ेगा तो इसने भी छोड़ दिया अभी लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे हम ठीक है तो यह बौद्ध भिक्षु हैं उनके प्रभाव में आ गया उनका नाम था मोगली तिस्सु या उपगुप्त भी कहते हैं उनको और यह सांस्कृतिक नीति के पक्ष में था ठीक है भौतिक विजय का इसने परित्याग कर दिया कि अब हम भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति अपनाएंगे लेडीज एंड जेंटलमैन बहुत इंपॉर्टेंट है ये ये भेरी घोष है ठीक है भेरी घोष की जगह हम भेरी घोष मतलब वो भेरी घोष बसता ना युद्ध से पहले ठीक है तो वो भेरी घोष की जगह धम्म मोरल कोड ऑफ कंडक्ट अपनाएंगे और इस पे जीतेंगे ठीक है लोगों को समझाएंगे और जीतते चलेंगे कि भैया युद्ध करोगे अब प्रशासनिक अधिकारी थे तो राजकुश राजूकस ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये प्रशासनिक अधिकारी होते थे उस समय ठीक है पावरफुल थे ये मतलब कलेक्टर समझ लो ये उस समय के कलेक्टर थे ठीक है और ये भी था पैत्रियार्की था पैट्रियार्की मतलब इन द सेंस कि तुम्हारे पिताजी हैं तो तुम भी बन सकते हो इस तरह का चीजें था लेकिन खैर धीरे धीरे जो कौटिल्य था उन्होंने ऐसा किया कि नहीं इसका भी प्रॉपर टेस्ट होगा टेस्ट होने के बाद जो है ये नियुक्त किए जाएंगे तो राजूकस अशोक और बौद्ध धर्म अशोक और बौद्ध धर्म के बारे में धीरे धीरे देखो बौद्ध धर्म से अशोक जो था ना प्रभावित था लेकिन ऐसा नहीं था कि उसने उठाया और नहीं नहीं कि अब हम बौद्ध बन जाएंगे इस तरह का सिस्टम नहीं था उसका ठीक है उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं था कि अब हम बुद्ध धर्म अपना लेंगे वो पहले दो ढाई साल तो वो शिष्य बन के रहा ठीक है उपासक बोलते हैं उसको ठीक है तो वो पहले शिष्य बना फिर धीरे 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 वो आगे बढ़ा शिकार वगैरह करना छोड़ दिया ठीक है सारनाथ गया बोध गया गया लुम्बिनी गया या घूम घूम के आए तो उसको लगा कि हाँ हाँ बहुत धर्म सही है और इसके लिए उसने विशेष धम्म महामंत्र बनाए कि आप यात्रा शुरू कराओ क्यों मैं घूम के आया हूं तो सब लोग घूमेंगे सारनाथ बोध गया लुम्बिनी यहाँ पे यात्राएं वगैरह शुरू हुई किसने धम्म महामंत्रों ने शुरू कराई ठीक है तो ये चीजें धीरे धीरे की उसने आगे क्या हुआ इसके अलावा देखो धम्म का प्रचार है उसकी बेटी थी बेटी संगमित्रा और महेंद्र को भेज दिया उसने श्रीलंका कि जाओ जो बोधि वृक्ष है उसकी शाखाएं लगाओ वहां पे आज भी मैं आपको बता दूं श्रीलंका का सबसे बड़ा अगर कोई टूरिस्ट प्लेस है धर्म के मामले में तो ये यही है ठीक है जहां पे बोधि वृक्ष का पार्ट लगाया गया है ठीक है तो एशिया में जो है बौद्ध शासक ग्रीक शासकों के लिए मतलब दूतावास बनवाए गए ठीक है बौद्ध धर्म के लिए इसके अलावा जो बौद्ध भिक्षु थे उनके लिए भी बहुत सारा काम किया गया आगे देखो संघ को मजबूत करने के लिए तीसरे बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया ोगली पुत्र तिस्सा की अध्यक्षता में और ठीक है तो इसने धम्म के नीति क्या थी कि लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो अपने मम्मी पापा के साथ अच्छा व्यवहार करो शिकार मत करो पढ़ाई लिखाई करो ये सारी चीजें हैं ठीक है शिकार वगैरह छोड़ दो मांसाहार मत करो बली वली मत दो ठीक है आप शाकाहारी बनो ये सारी चीजें उसने लिखवाई और ये आप समझो कि जो रॉक इंस्क्रिप्शन है या फिर जो पिलर इंस्क्रिप्शन है उसका क्या मतलब होता है समझते हो उसका मतलब यह होता है कि जनता भी उस चीज को पढ़े ऐतिहासिक महत्व तो है खैर उसका लेकिन वो खुदवाया इसलिए जाता था कि ऐसे नहीं मन में आया खुदवा दिया जनता पढ़े उसको और उन चीजों को अपनाए जैसे आपने एक ब, ब, अभी कुछ दिन पहले एक वेब सीरीज आई है क्या नाम है उसका पंचायत मैं आपको एग्जांपल देता हूं बहुत सिंपल सा ठीक है उसमें क्या लिखा गया है दो बच्चे हैं मीठी खीर दो से ज्यादा बावासीर। तो ये क्या है ये सिंपल सा ये मतलब है कि तुमको बुरा लगे और तुम दो से ज्यादा बच्चे पैदा मत करो तो इसीलिए ये आज का थोड़ा स्लोगन लिखवा दिए गए कि दो बच्चे हैं मीठी खीर उससे ज्यादा बाबा सिर यह आज का नहीं है ये पुराने जमाने से चल रहा है अशोक ने इंस्क्रिप्शन खुदवाए उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं तो धीरे 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 प्रचलन में आ गया अभी हम लोग हिंदी बोलते हैं तो वो हिंदी में लिखा रहता है है ना जैसे आप देखो स्वच्छ भारत समृद्ध भारत है ना वो गांधी जी का चश्मा बना रहेगा स्वच्छ भारत एक तरफ स्वच्छ दूसरे तरफ भारत ठीक है स्वच्छता की ओर एक कदम स्वच्छता की ओर ये क्या है इससे आदमी बार बार पढ़ता है तो लगता है कि हां केले का छिलका मैंने वहां फेंका है या मैंने कोल्ड ड्रिंक या माजा पी के मैंने से बोतल फेंक दिए तो उसको उठा के मैं डस्टबिन में डाल दूं ठीक है तो ये दो तीन सालों में आएगा तुम्हारे अंदर या दस सालों में आएगा है ना तो आएगा जरूर इसलिए वो लिखवाया जाता है ठीक है तो इसीलिए अशोक ने इसकी शुरुआत की कि भैया लिखवाओ इसको क्लियर है ताकि लोग पढ़ें और समझें कि ये चीजें करनी है हमको क्योंकि हर आदमी को कहां तक बताते रहोगे कहां तक उस समय तो पैम्पलेट का सिस्टम भी नहीं था क्लियर है है ना तो जैसे मान लो लिखवा के दे दिया गया किसी को कि दो बच्चे हैं मीठी खीर उससे ज्यादा बाबा सिर तो मान लो पैम्पलेट बांट दिया गया तो पैम्पलेट तो लेंगे लोग उस पर चना वना खा लेंगे और गल जाएगा दो चार दिन में लिखवाया तुमने तो जब भी आदमी उस रास्ते से गुजरेगा और उसके दो से ज्यादा बच्चे हैं तो उसको टिक करेगा कि नहीं नहीं ये तो कुछ तो भी गलत हुआ है मेरे साथ तो किसी किसी को तो किसी किसी ना को बताएगा ही खैर तो ये ये अशोक के मतलब धर्म की विशेषता नहीं है मैं बस आपको सिंपल बता रहा हूं कि खुदवाने का क्या महत्व है तो यू कैन रिलेट इट देखिए एक सही आंसर एक अच्छा आंसर क्या होता है आप उसको रिलेट कर सकते हो चीजों से रॉक इंस्क्रिप्शन किस लिए खुदवाए गए ताकि जनता समझे कि अशोक क्या चाहता है और उस चीज को अपने जीवन में उतारे तो अगर करंट सिचुएशन के हिसाब से तुमको लिखने के लिए बोल दिया कि आज के समय में रॉक इंस्क्रिप्शन को मतलब आज के परिदृश्य में लिख के बताइए कि क्या कर रहे हैं हम कुछ वैसा कर रहे हैं क्या तो देखो लिखने वाले उसको किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं तुम सोच नहीं सकते हो अब वो कोई ना कोई ये एग्जाम्पल लिख सकता है ठीक है और उसको एक्सप्लेन कर सकता है कि इसका क्या मतलब है और उस समय लोगों के ऊपर क्या असर पड़ता होगा और आज के समय में क्या असर पड़ रहा है तो आंसर यहां से घुमाता है जो पढ़ने वाला है उसको कुछ नया चाहिए वही तेरा रॉक उठा के तुमने लिख दिया कि इसमें 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 ये 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 लिखा ये लिखा ये लिखा ये लिखा आज के परिदृश्य में बताओ कि उसका क्या महत्व है या आज के परिदृश्य में बताओ कि हम उसका यूज कैसे कर रहे हैं तो ये आपके दिमाग में चीजें चलती रहनी चाहिए अच्छा आंसर बनाना है आपको अच्छा इन देंस की नहीं करंट सिनारियों से जोड़ के आप इतिहास को कैसे दिखते हो हमारे पुरखे बहुत महान थे ये मान लो क्लियर है कि अशोक को उसी समय समझ में आ गया कि लिखवा देता हूं ज्यादा सही रहेगा बार बार पढ़ेंगे तो थोड़ा बुद्धि खुलेगा क्लियर है आगे देखो पशु बलि वध ठीक है ये उत्सवों में जो वली होती थी उनका निषेध कर दिया गया व्यर्थ की जो रस्में थी पंडित करवाते रहते नहीं आओ ये करेंगे वो करेंगे तो वो सब बंद करा दिया गया ठीक है कैदियों और नौकरों से अच्छा व्यवहार करने के लिए बोला गया सभी के प्रति सहिष्णुता ब्राह्मणों के प्रति अच्छा व्यवहार शिष्टाचार का व्यवहार ये सब बोलने के लिए कहा गया धार्मिक संप्रदाय युद्ध के बजाय धम्म की नीति ठीक है कांधार शिलालेख में अपने नीतियों की सफलता की बात करता है कि कुछ शिकारी थे कुछ मछुआरे थे उनको मैंने जम समझाया जाके कि बाबू तुम शिकार छोड़ दो तुम मछली छोड़ दो तो उन लोगों ने कुछ समय बाद शिकार करना और मछली करना छोड़ दिया है ना उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया तो ये सफलता है छोटी सी सफलता है है तो जैसे मैंने अभी तुमको स्लोगन बताया तो मान लो किसी गांव में लिखवा दिया गया ठीक है तो उस गांव में फिर लोगों को समझ में आया तो दो तीन परसेंट लोग हैं जिनके दो से ज़्यादा बच्चे हैं बाकी जो नब्बे परसेंट जनता है संतानवे परसेंट जनता है उसके दो से कम बच्चे हैं तो ये सफल हुआ ना सरकार या जो वहाँ की डी महोदय होंगी महोदया होंगे या महोदय होंगी सॉरी महोदया और महोदय तो जो भी होंगे या होंगी उनको सरकार अवार्ड देगी क्लियर है सिंपल मौर्य प्रशासन केंद्रीय सरकार है भाई सबसे जो केंद्र में राजा है ठीक है राजा इज पावरफुल दैट्स ऑल इसके अलावा यहां पर एक एक तुमको बहुत अच्छी चीज देखने मिलती है मंत्री परिषद तो से पूछ करके डिसीजन लिया जाता ऐसा नहीं कि राजा ने बोला कि नहीं आज मेरे को कबूतर की बर्फी खानी है तो आज मैं कबूतर की बर्फी खाऊंगा ऐसा नहीं था ठीक है तो वहां पर क्या सिस्टम था कि राजा को अगर कुछ डिसीजन लेना है तो वो पूरा का पूरा मंत्री परिषद बैठेगा ठीक है और वो मंत्री परिषद बैठेगा और उनके साथ डिसीजन लिया जाएगा फिर वो लागू किया जाएगा ठीक है आगे देखो तो ये एक अमात्य ये आई ऑफिसर समझ लो उनको है ना मैं आपको सिर्फ रिवीजन करा रहा हूं आप ये मैं एक एक चीज नहीं पढ़ा रहा हूं ठीक है इसमें आमत्य सबसे प्रमुख होता था ठीक है आगे देखो राजस्व विभाग तो इसमें दो तीन चीजें याद रखो आप संहरता और सन्निधता ठीक है तो इसके अलावा देखो वाणिज्य और उद्योग अच्छा यहां पे कर की देर कितनी थी कर दर मतलब टैक्स एक बट्टा छ और एक बट्टा चार मतलब सौ किलो हुआ तो उसका एक बट्टा छ दे दो तो, या एक बट्टा चार एक बट्टा चार मतलब बीस किलो ठीक है पच्चीस किलो सॉरी पच्चीस किलो दे दो तो, समझ रहे हो न्याय तंत्र कैसा था तो उसमें धर्माधिकारी थे ठीक है धर्माधिकारी थे जो न्याय वगैरह का, का, का काम देखा करते थे आगे देखो प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन कैसा था तो बाबू ये देख लो तुम पहले अकबर का अकबर नहीं सॉरी अकबर बार बार आ रहा है मेरे को दिमाग में अशोक देख रहे हो कहां तक थी सीमाएं उसकी तो मैं थोड़ा कट गया देख लो कहां तक थी सीमाएं उसकी क्लियर है ये यहां पे वो उधर और ये इधर तो नीचे लोग नीचे के लोग पता नहीं क्यों बच गए ठीक है अब ये देख लो सीमाएं चार प्रांतों में विभाजित था तकसिला उत्तर उज्जैन पश्चिम सुवर्गड़ी दक्षिण और कलिंग पूर्व ठीक से तो है और मध्य प्रांत था उज्जैन सुवर्णगिरी कलिंग आगे देखो जितने भी जो राजकुमार थे उनको अलग अलग जगह नियुक्त किया जाता ताकि था था वो वहां पे सेना सेना बहुत स्ट्रांग थी इनकी प्रावधान घोड़े हाथी रथ का था और करीब छह लाख सैनिक थे इनके पास ठीक है हजार पैदल थे और नौ हजार हाथी थे इनके बस हाथी समझ रहे हो नौ हजार दौड़ा दिया तो पूरा मोहल्ला खत्म हो सकता है मोहल्ला क्या राज्य खत्म हो सकता है ठीक है मौर्य कला और वास्तुकला ये शारनाथ में अच्छा शारनाथ में कितने शेर हैं बताओ कौन बताएगा जो सारनाथ का स्तंभ है उसमें कितने शेर है बताओ जरा पूरे में बताना ऐसा नहीं हो कि फिर मैंने बोला कि सारनाथ का जो स्तंभ है ना उसमें कितने शेर हैं मैं आपका कमेंट देखूंगा एक मिनट के लिए कितने शेर हैं जल्दी बताओ एक काम करो सारनाथ का वो पिलर डाउनलोड करो और देखो ठीक है देखो चार शेर तो एक आगे एक इधर एक इधर और एक पीछे है ठीक है चार दो ऊपर हो गए और वहां पे एक पट्टी बनी हुई है नीचे साइड उसमें भी शेर है क्या देखना तो चेक करना बताना मुझे मैं बताऊंगा नहीं अभी खुद ही चेक कर लेना ठीक है उसमें हाथी बैल घोड़ा ये सब बना हुआ है तो हाथी बैल घोड़ा का क्या मतलब है ये बौद्ध धर्म है इन सब चीजों का बहुत महत्व है उसमें उल्टा कमल बना हुआ था मैं अभी आपको दिखाता हूं चैत्य विहार अच्छा बिहार का नाम विहार क्यों पड़ा तो वो इस इस वजह से पड़ा क्योंकि बिहार राज्य में बहुत सारे विहार थे तो अंग्रेज या फिर जो और भी विदेशी आते थे तो पूछते थे ये क्या है बिहार 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 नाम रह गया उसका बिहार चैत्य का मतलब होता है प्रार्थना हॉल और बिहार का मतलब होता है शयनगार या जहां पे बौद्ध भिक्षु रहते हैं तो दो चीजें याद रहे चैत्य मतलब प्रार्थना हॉल और बिहार मतलब जहां पे लोग रहते हैं सोते हैं क्लियर है मैं दिखाता हूं आपको बहुत सारी चीजें हैं एक आर्ट एंड कल्चर का मेरा अलग से लेक्चर है उसको देख लीजिएगा मैं आपको दो तीन फोटोज दिखा देता हूं ये देखो सारनाथ का स्तंभ है सारनाथ का ये देखो एक शेर दो शेर तीन शेर एक पीछे साइड है चार शेर और मैं इसकी बात कर रहा हूं यहां पे देखना हाथी बैल घोड़ा और यहां पर भी एक शेर है क्या चेक करना ठीक है और ये देखो ये पिलर इंस्क्रिप्शन ठीक है देखो इस पर खुदाई हुई है तो जनता पड़ेगी चैत्य विहार है बाबू ये चैत्य विहार ठीक देखो चैत्य मतलब होता है प्रार्थना हॉल और विहार मतलब रहने की जगह ठीक है गिरनार गिरनार जगह कहां पे है कमेंट बॉक्स में बताओ ये क्या है अब ये मैं बताऊंगा नहीं क्या है तो आपसे पूछा था ना कि जो सांची का स्तूप है उसके बारे में बताइए तो बताओ ये स्तूप कैसे बनता है इसके ऊपर वाले पोर्शन को क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं ये तोरण द्वार है इसको क्या कहते हैं ये, है, है? ये जो रेलिंग है इसको क्या कहते हैं ये जो ऊपर वाली रेलिंग है इसको क्या कहते हैं एक एक चीज मैंने एक्सप्लेन कर रखी है आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर रखी है तो पीएससी के यूपीएससी के सवाल भी आप हल कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के ठीक है मौर्य साम्राज्य के स्रोत क्या है तो है तो भैया कौटिल्य का अर्थशास्त्र चाणक्य विष्णुगुप्त या भारतीय मैक्यावली मैक्यावली कौन थे तो ये इटली के एक राइटर थे ठीक है इटली के राइटर थे बहुत महान राइटर थे ठीक है तो उन्हीं के नाम पे भारतीय मैक्यावली भी कहा जाता है पंद्रह पुस्तकें में 180 अध्याय हैं टोटल अर्थशास्त्र के तीन पार्ट में डिवाइडेड है मैं बता देता हूं कैसे राजा और उसकी परिषद और सरकार के विभाग सिविल और आपराधिक कानून और युद्ध की कूटनीति ये तीन पार्टों में डिवाइडेड है अशोक के जो इंस्क्रिप्शन हैं वो देख लो कहां है देख लो ये पूरा इतने इतने कांधार जम्मू कश्मीर में भी है कलसी मेरठ कौशाम्बी यहां तक आ जाओ यर्रागिरी धौली अमरावती ये देख रहे हो पूरा का पूरा यहाँ पे देखो गिरनार मैंने पूछा था कहाँ पे है बताओ तो देख रहे हो इतनी जगह पे तो कि कहाँ कहाँ तक सीमाएं थी मौर्य साम्राज्य की विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस तो बेसिकली ये ड्रामा है ठीक है ड्रामा में लिखा गया और विशाखा दत्त का ये बहुत दिनों बाद लिखा गया करीब छः सौ सात सौ साल बाद लिखा गया है, ठीक है गुप्त काल में लिखा गया है ठीक है और मेगास्थनीज की इंडिका इसके बारे में भी पता चलता है लेकिन थोड़ा बहुत ही है इसका ज़्यादा नहीं है भैया पतन के कारण बता दो तो एक तो अशोक की बहुत समर्थक नीतियां अहिंसा कोई भी राजा अगर अहिंसात्मक हो जाता है ना तो वो ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं अशोक के बाद जो उत्तराधिकारी हुए कमजोर हुए उत्तराधिकारी कमजोर शासन खत्म यज्ञ अनुष्ठानों में का निषेध ब्राह्मणों के विरोधी थे इन्होंने बोला था ना कि वो, वो कुछ जगह पे प्रतिबंध लगा दिया था कि यज्ञ नहीं होगा उत्सव नहीं बनेगा अनुष्ठान नहीं होगा तो बस ब्राह्मण आपके खिलाफ हो गए और आपका सिस्टम पूरी तरीके से खत्म हो गया ष्यमुत्र सुंग के नेतृत्व में पुष्यमित्र सुंग एक पंडित था ठीक है पुष्यमुत्र पंडित ब्राह्मण था तो उसने ब्राह्मणों का पक्ष देना है तो वो जब गद्दी पर बैठा था उसने बहुत सारे ब्राह्मणों की नहीं जो बुद्धिज्म थे जो बौद्ध धर्म चलाते थे उनकी हत्या कर दी बहुत मतलब क्या बताऊं मैं आपको ठीक है लेकिन खैर उसने काफी कुछ उस काम भी किया जो आमत्य थे जो आई ऑफिसर थे वो खुद को राजा समझने लगे और फिर वो धीरे धीरे करप्ट होते चले गए ठीक है मौर्य साम्राज्य के विभाजन के बाद अशोक की मृत्यु हो गई उसके बाद दो भागों में बट गया आपको बता देना चार प्रांत थे फिर एक सेंट्रलाइज सिस्टम था उसके बाद और फिर उसके बाद फिर आक्रमण होने लग जाएंगे यहाँ पे आई एस पी के याद रखिएगा या आक्रमण भी होने लग जाएंगे है ना तो उसके बारे में चर्चा करेंगे लोहे का व्यापक उपयोग तो नए शक्तिशाली और भी बहुत सारे सबको पता चल गया ना लोहा ठीक है जो नॉर्थ वेस्ट सीमा थी इनकी उसकी उपेक्षा की गई क्योंकि यहां से फिर घुसपैठ शुरू हो जाएगा पुष्यमित्र मित्र सुंग के बारे में बता दिया मैंने आपको ठीक है बौद्धों को बहुत मारा इन्होंने ठीक है वैदिक अनुष्ठानों को दोबारा शुरू करा दिया इन्होंने तो ये गलती हो गई इनसे बस चलो तो अब क्या बात करेंगे तो यह मैंने आपको पढ़ा दिया बौद्ध धर्म अब एक मिनट मैं अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर पे चर्चा करेंगे कंप्लीट नहीं हुआ है ठीक है ये मेरे कोर्सेज हैं तो ज्वाइन कर लो 2020 2021 के कोर्स शुरू होने वाले हैं तीस इकतीस से और जो चल रहा है ये ज्वाइन कर सकते हो ठीक है कैसे ज्वाइन करोगे आपको बताइए एप्लीकेशन चाहिए और ये सारी चीजें चाहिए कोड क्या है एच के टी लाइव इज द कोड एच के टी लाइव इज द कोड ठीक है ये नंबर है तो कोई भी डाउट है तुरंत इस नंबर पे फोन करिए संपर्क करिए इंक्वायरी कीजिए ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल सबको पता हूँ इस नंबर पे सबको सेव करके व्हाट्सएप कर देना ताकि आपको ब्रॉडकास्ट मिलता रहे ओके और ये है क्या टेलीग्राम चैनल इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और ये कोड है एच के टी लाइव ओके okay, चलिए अब हम चेक करेंगे कॉपियां अब वक्त आ चुका है कॉपियों का की कॉपियां बहुत सारे बच्चों ने लिख के भेजा है मैं आपको बता देना चाहता तो हूं बहुत अच्छा लिखा है बच्चों ने ठीक है बहुत अच्छा लिखा है अब ये देखिए किसकी कॉपी है सबकी कॉपी आज हम लोग एक एक शब्द पढ़ेंगे सबको पता चल गया है अब तो अच्छा एक चीज बता दो अब तो सबको पता चल गया ना सब लोगों को तो आंसर समझ में आ जाएगा ना तो सबको आंसर समझ में आ जाएगा ना क्योंकि मैंने आपको तो रिवाइज कराई दिया ऊपर 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 सब तो अब तो सबको समझ में आना चाहिए तो इसमें पेन कैसे आते हैं ये पेन आ जाएगा यहां से हाँ पेन आ गया कौन सा कलर ले लें कलर ले लेते हैं ये वाला ठीक है सवाल है कि मौर्य राज्य की प्रकृति की जांच करें अच्छा उनकी प्रशासनिक प्रणाली की विशेषताओं को सामने लाएं मौर्य साम्राज्य की प्रकृति देखते हैं क्या लिखा गया है तो इसमें लिखा गया है कि राज्य की प्रकृति का निर्धारण उस राज्य की राजनीतिक सामाजिक आर्थिक और धार्मिक विशेषताओं के ये क्या है में किया जाता है वेरी गुड मौर्यालीन समाज की संरचना का ज्ञान कौटिल्य के अर्थशास्त्र मेगा की इंडिका अशोक के अभिलेख बहुत अच्छा जूनागढ़ का अभिलेख ओके मौर्य साम्राज्य सामाजिक स्त्रियों की स्थिति धार्मिक स्थिति और आर्थिक स्थिति ठीक है एक एक पॉइंट में आपने लिख दिया है सब ठीक है चलेगा धार्मिक स्थिति मनोरंजन के बारे में भी लिख दिया है कला और संस्कृति भी लिखा है क्या चलिए ठीक है ओके तो इन्होंने लगभग सही ट्रैक पकड़ा हुआ है आंसर का ये देखते हैं हम कुछ लोगों ने बहुत अच्छे आंसर लिखे हैं ये क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ अशोका धमाज फाउंड थ्रू हिज इंस्क्रिप्शन हैड इट्स रूट इन वैदिक उपनिषद लिटरेचर डिस्कस बहुत अच्छा सवाल है ये देखते हैं क्या लिखा गया इसमें तो इन्होंने लिखा है कि कलिंगा लूजिंग वन लैख फिफ्टी थाउजेंड ट्रूप्स टुअर्ड्स बुद्धिज्म ओके तो मतलब उन्होंने बौद्ध धर्म इन्होंने क्या लिखा है मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूं कि अशोक ने जो है बौद्ध धर्म ले लिया धारण कर लिया और मतलब धम्म स्टार्ट किया कब जब कलिंग में उसके डेढ़ लाख सैनिक मारे गए उसके बाद फॉलो उसने फॉलो कर लिया ओके विच वर ऑलरेडी रिटर्न इन द वेदाज एंड उपनिषद ओके द बुद्धिज्म डज नॉट कंसिडर वेदा उपनिषद वैलिड, बट द पॉलिसी अंडर धम्मा अशोका फॉलोड वॉज प्रीमेंशन इन क्या है भाई इन्होंने लिखा है कि जो धम्म की पॉलिसी थी वो वेदों में पहले से लिखी हुई थी ठीक है तो उसका रूट वेदों और उसमें जाता है उपनिषद में सिंपल सीधी बात है कि बौद्ध धर्म निकल के कहां से आया हिंदुइज्म से हिंदुइज्म किस पे चलता था वेदों पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने बोला किसके बारे में कि आप इस धर्म के सुधार करो इस धर्म में सुधार करो आपके धर्म में गलतियां हैं आप अत्याचार कर रहे हो तो रूट वहीं से रहेगा सिंपल है।, है आप इसको जोड़ सकते हो ठीक है इसके बारे में मैंने आपको बताया ही था तो इसमें लिखा है कि ही मेड कोड ऑफ कंडक्ट विच सेक्ट देयर पेरेंट्स तो वेदों में ये बातें हैं भाई कि आपको पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए सिंपल है बात अगला क्या है वॉन्टेड एवरी वन टू फॉलो द पार्ट ऑफ धम्मा विच द पीपल सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ ओके अगला क्या है द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड भाईचारे की भावना ठीक है किलिंग ऑफ एनिमल तो ये तो वेदों में साफ मना है नहीं देना है आपको ठीक है तो ये सारी चीजें तो पहले से ही मना है ठीक है मतलब ऑलमोस्ट ऑन द ठीक है मतलब पकड़ लिया टारगेट पकड़ लिया क्या लिखना है अच्छा देखिए एक चीज आपको बताऊं ब्यूटी पता है क्या सबने इकतीस आंसर नहीं लिखे किसी ने कुछ लिखा है किसी ने कुछ लिखा है किसी ने, ने कुछ लिखा है तो हम लोग सबके कुछ कुछ आंसर पढ़ेंगे दो दो तीन तीन एक छोटा सा निबंध लिखिए अशोक के शिलालेख ठीक है अशोक के शिलालेख पर तो अशोक का तो ये तो बहुत ही आसान मिल गया तुमको है कि उठाया सारे शिलालेख और टीप दिए क्यों किसकी कॉपी है ये जिसकी भी कॉपी है लिखा अच्छा है थोड़ा तो कॉन्सेप्चुअल सवाल पकड़ो अच्छा ये देखिए क्या है सवाल क्या आपको लगता है कि मौर्य साम्राज्य के विघटन के लिए आर्थिक कारक अकेले जिम्मेदार थे ओके तो ये सवाल तो लिया गया तो एक तो निर्बल उत्तराधिकारी थे वेरी गुड सेना और नौकरशाही पर भारी खर्च ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया वाह और क्या है आर्थिक संकट वेरी गुड अशोक की अहिंसावादी नीति परफेक्ट आंसर है ये आपने सारे पॉइंट मेंशन कर दिए जो अभी मैंने आपको बताए थे क्लियर है परफेक्ट आंसर इससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है जिसने भी लिखा है बहुत अच्छा लिखा है ठीक है आगे देखो सांची के बारे में लिखा है क्या वास्तुकला के बारे में एक मिनट मटूजा देख ही लेते हैं इसके बारे में तो महान स्तूप स्तूप बनाया है कि नहीं बनाया बस ये बता दो आप लिखना तो ठीक है मैं आपको एक चीज बता देता हूं जिन लोगों ने भी सांची के स्तूप के बारे में लिखा है अगर आपने स्तूप नहीं बनाया है तो नंबर कट जाएंगे आपके तीन और ज्यादा नंबर भी कट सकते हैं और जिसने स्तूप बना के लिख दिया है तो उसको एक्स्ट्रा नंबर में मिल जाएंगे तीन अगर आपने नहीं भी लिखा है तब भी चलेगा किसने बनाया है क्या स्तूप स्तूप बहुत आसान है बनाना यार ऐसे डब्बा खींचना है ऊपर एक दो जाली बना देना, देना है एक डंडी खींच देना है साइड से ऐसे तो मैंने आपको तो पूरा बनाया हुआ है पूरा एक एक चीज बता रखी है क्या हो रहा है ये हाँ अब ये देखिए थोड़ी राइटिंग में सही है इसके बारे में थोड़ा पढ़ के देखते हैं क्या है किसकी कॉपी है ये मौर्यन अंपायर वाज फाउंडेड इन थ्री ट्वेंटी टू बी सी बाई चंद्रगुप्त मौर्य क्वेश्चन क्या है ये अच्छा ठीक है मतलब प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं हम इंग्लिश में है मैं आपको ट्रांसलेट करता रहूंगा हिंदी में निश्चिंत रहिएगा आर अर्थशास्त्र ऑफ इन्फॉर्मेश नेचर कैसा है Autocracy है 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 फाउंड फाउंड एंड पोस्ट ऑफ अ किंग बेस्ड ऑन सही नेचर कैसा है भैया सिंपल है आपको पता ही है उत्तराधिकारी वाला सिस्टम है पिताजी जाएंगे उसका बेटा बैठेगा आगे देखो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्न अंपायर सोशल एडमिनिस्ट्रेशन एस्पियोन और क्या है इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन तो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या-क्या है इसमें आपने यूनिट्स मेंशन कर दी हैं आगे क्या लिखा है आपने म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ही मेड द कमिटीज ऑफ फाइव फाइव मेंबर्स इन ईच ओके सोशल एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी वर डिवाइडेड इनटू कास्ट ओके आगे क्या लिखा है आपने स्पियोनेस डिपार्टमेंट ड्यूरिंग मौर्यियन डायनेस्टी देयर वाज स्पियोनेस सिस्टम एंड टू बॉडीज वर फाउंड कुछ साफ साफ दिख नहीं रहा यहां पे संचार और संस्था ठीक है मतलब पकड़ा हुआ है आगे देखो थोड़ा और लिखा जा सकता था इसमें ऐसा नहीं है कि इतना पे छोड़ दिया जाए लेकिन लिखा जा सकता था इसमें खुल जा चलिए ये देखो किसी का नहीं खुल रहा है ओके okay. ये कॉपी देखते हैं क्या है ये मौर्य साम्राज्य की प्रकृति की जांच करें और उनकी प्रशासनिक प्रणाली की विशेषताओं को सामने लाएं तो भैया राज्य की प्रकृति कैसी है देखो ये तो सबसे बड़ी गलती है इतना बड़ा पैराग्राफ लिख दियो तो जिसने भी लिखा है प्लीज चेंज द पैराग्राफ ठीक है इतना बड़ा पैराग्राफ मत लिखो आप ये कम से कम तीन लाइन बहुत हो गया ये ये बहुत बड़ी गलती है मिस्टेक है बताए देखो आप समझो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं मान लो आप कॉपी चेक करने वाले हो ठीक है किसी ने इतना बड़ा पैराग्राफ लिख दिया शुरुआत में क्या पढ़ोगे तुम तो उसमें ठीक है तो या तो इसको ना आप छोटा छोटा कर दो पैराग्राफ चेंज करो बार बार राजनीतिक सामाजिक आर्थिक और धार्मिक विशेषताएं लिखा है इसमें हम तो अंडरलाइन वाली पढ़ लेते हैं राज्य की प्रकृति निर्धारण मुद्दे उभर कर केंद्रीकृत राज्य पुलिस राज्य और लोक कल्याणकारी राज्य प्रारंभिक सशक्त ठीक है प्रशासन प्रशासनिक विशेषताएं केंद्रीकृत प्रशासन था भैया राजतंत्रात्मक पद्धति पर आधारित मुखिया राजा था ठीक है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा थी अच्छा अशोक पहला ऐसा राजा था जो ये कहता था कि जो प्रजा है मेरी प्रजा है तो मेरे भाई बहन मतलब वो एक वेलफेयर स्टेट की बात करता था हमेशा क्यों क्योंकि वो सबको कहता था कि आप मेरे भाई बहन हैं मेरे माता पिता हैं मेरी प्रजा मेरा पूरा परिवार है मोदी जी कहते हैं मेरे 125 करोड़ भाई बहन क्लियर है वो तो कहीं ना कहीं अशोक से वो लेके आए होंगे इतिहास से तो कहाँ से उठाई गई चीजें इतिहास से कि वो कहता था कि मेरी प्रजा है ये तो मेरे पिता मेरी माता ये सब मेरे भाई बहन है ये सब पूरा सिस्टम मेरा है तो अपने आप को प्रजा से रिलेट करता था वो तो क्लियर है ये यहाँ पे आप समझिए तो प्रशासनिक व्यवस्था सम पित्र सत्तात्मक अवधारणा है ओके तो बस यहां पे थोड़ा सा और लिखा जा सकता था वो जो पहली वाली कॉपी हमने पढ़ी पूरी उसमें मेंशन किया जा सकता था आगे देखेंगे अशोक के धम्म की अवधारणा को उनके शिलालेखों के माध्यम से पाया गया जिसकी जड़ें वैदिक यह इंपॉर्टेंट सवाल है थोड़ा सा देखो इसको तो धम्म शब्द संस्कृत के धर्म शब्द का प्राकृत रूप है भारतीय परंपरा में सामान्यतः धर्म शब्द का प्रयोग दो विभिन्न अर्थों में होता है ब्राह्मण परंपरा में धर्म सामाजिक नियम होता है और बौद्ध परंपरा में धर्म का अर्थ बुद्ध की शिक्षा लेकिन अशोक के धम्म शब्द की व्याख्या अलग ही अर्थों में की गई है शब्द का अर्थ था भौतिक और सामाजिक आचरण वाह वेरी गुड क्या बात है तो मतलब आपने तुलनात्मक लिख दिया यहां पे आप समझिएगा पढ़ने वाले को मजा आएगा यहां पे क्या कि हिंदू धर्म में क्या है बौद्ध धर्म में क्या है और अशोक के हिसाब से क्या है धम क्लियर है ये सही है मतलब अच्छा है चलेगा बहुत अच्छा अशोक के धम्म की अवधारणा लोक कल्याणकारी पत्र सत्तात्मक सरल व सहज उपासना पद्धति पर आधारित थी बिल्कुल है अशोक के शिलालेखों का योगदान बृहद शिलालेख पहला दूसरा ठीक है मतलब बाकी सब शिलालेख हैं ठीक है अशोक का धम्म तुम बहुत ज्यादा लिख दिए थोड़ा छोटा करने का प्रयास करें बस ऊपर वाला ठीक था थोड़ा-थोड़ा और मेंशन कर सकते हैं चलेगा कोई दिक्कत नहीं है आगे देखिए अगला क्या है मौर्य साम्राज्य की सीमा निर्धारित करें तो इसका तो बस आप वो बना दो मैप बना के लिख दो परफेक्ट है कोई दिक्कत नहीं है और मैप मैंने आपको सारे बताए हैं ठीक है ऐसा नहीं है कि मैंने एक ही दो मैप बताया आपको तो मैंने स्टार्टिंग किया हरण्यक वन से और मैं जो लास्ट तक जाएंगे ना सबके मैं आपको दिखाऊंगा ए टू जेड ओके okay. आगे देखते हैं ये किसका था खुला क्या ये हाँ तो मौर्य साम्राज्य की प्रकृति की जांच करें और उनकी प्रशासनिक प्रणाली की विशेषताओं अभी तक तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है तो अठारह तीर्थों का उल्लेख ठीक है सिक्कों को पढ़ कहा जाता था देखो ये थोड़ा प्रशासनिक क्या पूछा क्या है प्रशासनिक प्रणाली है ओके ठीक है चलेगा थोड़ा राइटिंग सही कर लेंगे तो अच्छा रहेगा और थोड़ी कॉपी सही कर लो ये रफ कॉपी पे लिखना छोड़ दो वो सफेद वाली कॉपी आती है उस पर लिखा करो है ना नहीं तो ये आप ही के नोट्स खराब होंगे मतलब सही कॉपी पे लिखो ठीक है ताकि पढ़ने में आपको सही रहे पे आधी चीजें तो समझ ही नहीं आएंगी मौर्य साम्राज्य की पद्धति की जांच करें और उनकी प्रशासनिक प्रणाली की विशेषताओं को सामने लाएं। तो देखो मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मेगा की इंडिका तो टीप दियो क्या एक दूसरे का सब मौर्य साम्राज्य की प्रकृति प्रशासनिक प्रणाली की विशेषता हाँ हाँ ओके ये बहुत सही है देवनाम प्रियदर्शी ओके साम्राज्य विस्तार पर विशेष बल दिया गया ठीक है बिंदुसार के बाद लगभग सभी राजाओं ने अपने सगे संबंधियों को मारकर सत्ता प्राप्त की राजा को देवतुल्य माना जाता था देवनाम प्रियदर्शी ये देवनाम प्रियदर्शी जो लिखा है ना आपने ये क्यों कहा जाता था पता है तो जो एनफर हुआ है ना उसमें से इसमें एनफरेंस क्या मिला है मैं आपको बताने की कोशिश देवनाम प्रियदर्शी अठारह सैंतीस में जेम्स जेम्स प्रिंसेप ने निकाला था ठीक है तो उसने क्या कहा हुआ था इसमें उसने ये क्या हुआ था कि देवनाम देवताओं का प्रिय है वो क्लियर है तो देव तुल्य माना जाता था ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है क्या खुद से सोचिएगा थोड़ा आगे देखिएगा देवताओं का प्रिय है वो और आप बोल रही हो देव तुल्य है वो। कुछ अंतर है क्या इसमें सोचिएगा शासन का मुख्य आधार क्या है लोक कल्याण था जिसका उदाहरण सिंचाई व्यवस्था सड़क सराय वृक्षारोपण साप्तांग विचारधारा प्रशासनिक विभाजन ये देखो ये छोटी छोटी चीजें बहुत असर डालती हैं ठीक है थीके? ये छोटी छोटी चीजें बहुत असर डालती हैं केंद्रीय प्रशासन देखो पंचायती राज में मैंने तुमको पढ़ाया था याद करो ये ट्रेंगल वाला सिस्टम आप यहां देखो बहुत सारी चीजें ना रिलेटेड है करंट सिचुएशन से कैसे रिलेट करके आप इतिहास को लिख रहे हो ये आपकी कला दिखाती है आप एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी कैसे बनोगे आप कलेक्टर बनोगे जैसे इंदौर में वो छह महीने में उन्होंने कचरा साफ कर दिया और इंदौर नंबर वन हो गया ठीक है बाकी बाकी सारे जगह भी तो कलेक्टर हैं का नहीं सारे के सारे जगह सफाई हो जाती है बढ़िया डिपेंड करता है सोच पर कि आपकी थिंकिंग क्या है आप क्या करना चाहते हो तो कोई तो ये रिलेट किया गया है पीछे से उठा के मतलब आगे से उठा के पीछे वाले में डाल दिया गया पीछे से उठा गया तो ऐसी तो हम सीखते चलते ना यही तो बैलेंस बनाता है हमारे अंदर तो ये ये चीजें आप उपयोग में ला सकते हैं ठीक है लिखने का तरीका देखिए कि ग्रामों का समूह संग्राहक सर्वोच्च न्यायालय ग्राम न्यायालय राजा का न्यायालय छोटा न्यायालय उसमें लिख सकते हैं आप धम्माधिकारी बहुत सारी चीजें लिखी हुई है आपने मेंशन किया हुआ है चलेगा आगे देख लीजिए मौर्य राज्य की प्रकृति की जांच करें क्या लिखा है आपने कौटिल्य के द्वारा किया जाता है राजतंत्रात्मक शासन अच्छा केंद्रीय शासन प्रांतीय शासन ओके अब देखिए ये सारी चीजें किसने मेंशन नहीं किया अभी तक एक नया सिस्टम मिला कि प्रकृति के शासन में यह भी बात कह दी गई कि कौन कहां कहां किस तरीके से वो शासन व्यवस्था चलाते थे देखिए समझ आ रहा है कुछ देखो आंसर लिखने के हजार तरीके हो सकते हैं हजार पश्चिम भाग दक्षिणी भाग कलिंग और फिर मध्य मध्य कहां पे था आपका वही अशोक का विजित प्रांत अच्छा यहां पे आप लिख सकते हो ठीक है वो जगह का नाम भी आप मेंशन कर सकते हो चलेगा तो साफ ही नहीं खींचा है आपने आगे देखते हैं मौर्य साम्राज्य की प्रकृति ओके ये मैप बना दिया गया अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत के कर्नाटक तक था प्रकृति में देख लो पहली बार देश में अखंड भारत के रूप में सामने आया ठीक है राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था पितृसत्तात्मक समाज नीतियां लोक कल्याणकारी थी राज्य की एकता और अखंडता की बात कर रहे हैं हम यंत्रकारी उपाय अपनाए गए बहुत अच्छा मौर्य राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताएं हैं क्या क्या हैं विशेषताएँ वाह ये लो अभी आपने ट्रेंगल देखा तीन भाग में था वो और अभी आप ट्रेंगल देख लो यहाँ पे छह भागों में ट्रेंगल है केंद्र प्रांत मंडल जिला नगर और ग्राम देखिए अब डायवर्सिटी देखिए चीजों का वहां पे आपने सोचा सिर्फ तीन पार्ट थे यहां पे छह पार्टों में दे दिया गया कोई और आएगा तो इसमें दो चार चीजें और नहीं बता देगा कुछ कोई आएगा तो यहां पे बता देगा कि केंद्र में कौन था प्रांत में कौन देखता था मंडल में कौन देखो सिंपल बताता हूं मैं तुमको जैसे क्लियरिंग कैसे होता है क्लियरिंग नहीं होता है क्या चलो ठीक है जैसे मान लो अभी कोई आएगा तो ये बोल देगा कि गांव लेवल पे शासन व्यवस्था कौन देखता था नगर लेवल पे कौन देखता था जिला लेवल पे मंडल लेवल पे प्रांत लेवल पे और केंद्र लेवल पे ऐसे साइड में लाइनें खींच के बता देगा तो कॉपी चेक करने वाले के लिए सीधे आसान है उसको कुछ नहीं पढ़ना है उसने बस देखा उसने बस कॉपी चेक करने वाले के लिए जितना भी आसान रहेगा तुम्हारी कॉपी को चेक करना हम बता रहे हैं तुम्हारे उतने ही नंबर बढ़ेंगे उसको जो वो पॉइंट मेन मेन देखना चाहता है तुम्हारे आंसर में या जो तुम उसको दिखाना चाहते हो तो इधर मेक इट अ डाइग्राम मेक इट अ ट्रायंगल और मेक इट समथिंग एल्स लेकिन कुछ चीजें ऐसी जो आप उसको सीधे सीधे दिख जाए जो आप दिखाना चाहते हो ये ही होता है स्मार्ट वर्कर और हार्ड वर्कर में अंतर हम तुम्हें कहानी सुनाते हैं दो दोस्त थे एक था हार्ड वर्कर और दूसरा था स्मार्ट वर्कर उनके मालिक आए बोले साहब ये फील्ड खोदना है बोले हाँ सर खोदेंगे तो दोनों का पैसा था कुछ कि शाम को हजार हजार रुपये ले लेना दोनों ने फील्ड खोदना मालिक चला गया सुबह तो हार्ड वर्कर ने खोदना शुरू किया फील्ड तो मालिक बोला था मैं दो टाइम आऊंगा एक एक बजे आऊंगा और एक बार शाम को आऊंगा पाँच छः बजे पैसा देने सुन लिया भाई तो हार्ड वर्कर ने उठाई कुदाल खोदना शुरू और स्मार्ट वर्कर बैठ के पेड़ के ऊपर बंसी बजाता रहा बंसी बजाता रहा जब उसने देखा कि समय हो गया है साढ़े बारह एक तो वो नीचे उतरा और हार्ड वर्कर का बाबू तुम आराम कर लो थोड़ा हमें दे दो हम खोद देते हैं तो उसने कुदाल दी भोला भाला था वो और स्मार्ट वर्कर ने खोदना शुरू कर दिया मालिक आया उसने देखा रे यार क्या मेहनती आदमी है सुबह से लगा हुआ अभी तक इतना सारा खेत कोट डाला और हार्ड वर्कर बैठ के चैन की बंसी बजा रहा था तो जब दिखाना था तो वो बंसी बजा रहा था जैसे ही मालिक गया स्मार्ट वर्कर ने बोला बाबू लाओ हम थोड़ा आराम कर लें तुम खोदो तो हार्ड वर्कर ने फिर खोदना शुरू कर दिया फिर शाम को साढ़े चार बजे स्मार्ट वर्कर ने बाबू तुम आराम कर लो हम खोद देते हैं शाम को फिर मालिक आया बोला अरे ये सुबह आया तो भी यही खोद रहा था शाम को आया तो भी यही खोद रहा था मालिक ने उसको हजार के बजाय दो हजार रुपए दिए और हार्ड वर्कर को वही हजार रुपए दिए क्या समझे तुम कुछ समझते हो इससे कहानियों का कुछ मतलब होता है ऐसे नहीं सुना देता हूं मैं आपको तो जो दिखाना चाहिए उसको दिखाओ छुपाओ मत वक्त है दिखाने का भी एक वक्त होता है ना तो उस समय दिखाना है तुमको छुपाना नहीं है क्लियर है तो जो भी तुमको मेन पॉइंट जो तुम दिखाना चाहते हो कि तू देख एग्जामिनर देख ये मैंने लिखा है उसको दिखाओ क्लियर है ऐसा लिखो कि वो देखे क्लियर है चलो आगे देखो केंद्र लिख दिया है प्रांत लिख दिया है आपने सब लिख दिया है ओके मंडल लिख भी दिया है नगर भी लिख दिया है ग्राम भी लिख दिया है चलिए चलेगा बढ़िया है डायग्राम भी है ट्रेंगल भी है एरो भी है और पॉइंट्स भी बहुत अच्छे हैं अशोक ने धम्म की अवधारणा ये, ये और पढ़ेंगे हम क्या लिखा है आपने तो अशोक ने अपने शासन प्रशासन को चलाने एवं प्रजा के कल्याण के लिए धम्म की स्थापना की बहुत अच्छा जिसके उ, अशोक के शिलालेखों से मिलती हैं लेकिन माता पिता की अवधारणा ब्राह्मण प्रत्येक वर्ग जीव हिंसा ईश्वर पूजा कर्मकांड आदि के ऊपर मानवतावादी था तथा अशोक ने धर्म नीति को आगे बढ़ाते हुए विदेशों से अपने राजनीतिक संबंध अच्छे किए सुपॉप ये पॉइंट बहुत अच्छा है राजनीतिक वाला अशोक स्वयं बुद्ध धर्म का अनुयायी था परंतु उसने सभी धर्मों का सम्मान किया और अपनी अच्छी बातों को धम्म नीति का स्थान दिया ये भी है कि हमारे जो जो वैदिक लिटरेचर है यह ऐसा नहीं बोलता है कि आप दूसरे लोगों के साथ गलत व्यवहार करो वो क्या बोलता है सबके साथ समान व्यवहार करो चलेगा अभिलेख में पित्र सत्तात्मक समाज की अवधारणा की जानकारी प्राप्त होती है अशोक के धम्म नीति के तमाम पहलुओं को देखने से उससे जड़ें वैदिक उपनिषद से दिखाई देती हैं जो मानव कल्याण एवं परोपकार की भावना के साथ वसुधा कुटुंबकम की भावना को भी बताते हैं चलेगा अच्छा है चल ये कॉपी देख लें हम बहुत अच्छी राइटिंग है सुपर राइटिंग बनाए रखिए पेज नंबर ग्यारह ऊपर आ गया है सबसे पहले हम लोग पेज नंबर वन ढूंढेंगे पेज नंबर वन ये रहा तो मौर्य राज्य की प्रकृति की जांच करें उनकी प्रशासनिक प्रणाली की विशेषताओं को सामने लाएं तो शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का शासक धनानंदावना चाणक्य के अपमान के कारण ही चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर मौर्य वंश की स्थापना की चलिए काफी सही है इंट्रोडक्शन तो अच्छा दिया गया है चलेगा इंट्रोडक्शन ठीक है मौर्य काल की प्रकृति कला केंद्रीय शासन प्रणाली अभिलेख शिलालेख और अन्य कलाकृतियों से परिपूर्ण थी ओके कौटिल्य के अनुसार ओके मेगास्थनीज के अनुसार ओके थोड़ा सा स्लो चल रहा है एक्चुअली क्या है? बहुत सारे पीडीएफ्स हो गए यहाँ पे मुझे लगता है हैवी है थोड़ा आपका आगे क्या है इसके अलावा बिंदुओं पर टिप्पणी की है शासक वर्णन मौर्य काल में प्रशासनिक व्यवस्था प्रांतीय मंडल यहां से यहां आया फिर ये यह यहां गया फिर ये इधर आया फिर इधर गया और इधर गया काहेला कंफ्यूज कर रहे एक ही बार लिख दो ना एक साइड से क्यों घुमा रहे हैं हम इधर मतलब आप देखो ये कॉपी आप किसके लिए लिख रहे हो आप समझना ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो एक लाइन में लिख दोगे तो वो भी सही रहेगा दिमाग लगाना पड़ेगा क्लियर है एक सवाल आप और पढ़ना चाहते हैं राजस्व प्रशासन बहुत डिटेल दे दिया है बहुत ज्यादा डिटेलिंग है अच्छा है लेकिन अगर आप इसको सही देखो एक चीज मैं आपको और बता दू टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त आपके पास डिटेलिंग है लेकिन आपको छांटना याद करो मैंने पहला लेक्चर लिया था कि वो कौन सी तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तीन नंबर में लिखोगे वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तुम पांच या छह नंबर में लिखोगे वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तुम ग्यारह और पंद्रह नंबर में को तो कंप्लीट रहता है लेकिन वहां भी इंपॉर्टेंट फोकस है तो आपको यहां पर फोकस रखना है पता तो हमको सब है लेकिन लिखना नहीं है सब क्लियर है खैर इस सवालों में मैं आपको वर्ड लिमिट नहीं देता हूं तो आपकी गलती नहीं है लेकिन आप देखा करो कि आपको ज्यादा से ज्यादा बहुत कम समय में आप लिख सको वो लिखना उसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी है क्लियर है जैसे ये धम्म की अवधारणा हम और पढ़ना चाहते हैं धम्म शब्द आशय अनुशासन से है कोड ऑफ कंडक्ट है परफेक्ट है चलेगा अभी तक अशोक के सैतालीस से अधिक अभिलेखों प्राप्त हो चुके हैं एट्टी फोर है समथिंग है ना और ज्यादा है शिलालेख स्तंभलेख, स्तंभ लेख दीर्घ लेख देखिए इसको आपको किससे जोड़ना किससे था वैदिक उपनिषद से तो आपने इसको कहीं जोड़ा है या नहीं जोड़ा है चौदह विभिन्न लेखों के समूह प्रशासन एवं धर्म संबंधित उल्लेख है प्रथम लेख कहीं जोड़ा है या नहीं जोड़ा है नु, वैदिक काल का साहित्य यहां पे लिखा आपने प्राचीन काल में साहित्य एवं ग्रंथों का चलन वैदिक काल से ही हो रहा है साहित्य में मंडलों और छोटे छोटे भागों में विभक्त किया जाता था ओके ये देखिए मंडलों में विभक्त किया जाता था तो हमने जो भी लिटरेचर पढ़ा वो किसमें था मंडलों में ही है विभक्त किया जाता था तो एक पॉइंट यहां पे आपको अलग देखने के लिए मिला अभी तक आपने ये पॉइंट नहीं देखा था ठीक है आगे देखो वही स्वरूप अशोक के लेखों में भी देखने को मिलता है वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था भी मौर्य काल से मिलती जुलती है ओके निष्कर्ष क्या है कि अशोक के शिला लेखों में धम्म को विशिष्ट प्रधानता दी गई है साहित्य के माध्यम से उस काल से संबंधित अवधारणाओं का उल्लेख वैदिक काल से प्रारंभ हुआ है आगे चलकर जैन धर्म बौद्ध धर्म में और इसी इसका विकास हुआ है और जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास हुआ ओके okay. अशोक के लिए अभिलेख का आज भी उत्खनन किया जा रहा है कुछ पॉइंट्स और मेंशन कर रहे थे ठीक है कुछ तो भी छूटा है इसमें ठीक है थोड़ा सोचिएगा है ना जो भी हमने आंसर्स पढ़े ना अभी और उसमें से जोड़िएगा लिखा आपने कोशिश की बहुत अच्छी तीन चार पॉइंट आपको और एड ऑन करने हैं सीमा निर्धारित करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का राज है फिर उसके बाद आगे बढ़ाया आपने चलेगा परफेक्ट है अच्छा है कुछ कुछ पॉइंट्स और मेंशन करिए चलेगा आंसर अच्छे लिख रहे हैं आप लोग अच्छे इन द सेंस कि आप लोग ऑन द बैंग ऑन द टारगेट हैं ठीक है इधर उधर नहीं है कि बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता डेली अगर आप लिखते रहे तो नहीं है क्योंकि डेली अगर आप लिखते रहे तो आपका हाथ सेट होने लग जाएगा सही पॉइंट्स आने लग जाएंगे ठीक है जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स भरे हुए हैं उनको छाटिए है थोड़ा जिसकी भी कॉपी थी इससे पहले वाली क्लियर है थोड़ा थोड़ा छटाई शुरू करिए पॉइंट्स में कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है तो वो छांटना है अपने को ना वो हनुमान जी वाला हनुमान जी का क्वालिटी लेना है उसमें पूरा नहीं उठाना है उसमें से थोड़ा सा वो सजीवन बूटी वाला सिस्टम समझना है अपने को कि ये चाहिए ये इंपॉर्टेंट है ये ले जाने का है मेरे को जब नहीं समझ में आ रहा है कुछ तो पूरा लिख दो हनुमान जी तो रहने चाहिए साथ में लेकिन कुछ कुछ वो सजीवन बूटी वाला क्वालिटी होना ओके ये किसकी कॉपी है भाई खुल जा मौर्य काल की प्रशासनिक प्रणाली तो ये क्वेश्चन क्या है अच्छा ये पहला वाला ही क्वेश्चन है क्या तो सही है मौर्य साम्राज्य की मौर्य राज्य की प्राकृतिक जांच करें और प्रशासनिक मैप बना दिया आपने अच्छा मुड़ा मैप बनाने का प्रैक्टिस करो ऐसा कुछ भी बना देते हो है ना मैप बनाने का थोड़ा प्रैक्टिस करो आप लोग ऐसा ऐसा या फिर थोड़ा सीख लो थोड़ा थोड़ा सा तो सही कर लो लाइक अमीबा बना देते हैं हम घुमा फिरा के ऐसा अमीबा समझते हो क्या होता है अमीबा तो पता ही होगा आपको अमीबा क्या होता है अमीबा लिया हमने ऐसा ऐसा कुछ तो भी ऐसा बना दिया और उसमें लिख दिया ठीक है मतलब ऐसा आप बनाने के लिए मैप बनाओ कि हमने मैप बना दिया है थोड़ा सा सही बनाओ सही रहेगा बस है ना अमीबा नहीं बनाना है तो लगभग मुझे वही शब्द दिख रहे हैं राजतंत्र लोक कल्याणकारी प्रत्ये मतलब आपने भी सही लिखा है कुछ तो भी गलत नहीं लिखा है केंद्रीय प्रांतीय ग्रामीण नगरीय और न्यायिक प्रशासन अच्छा और है राजस्व सैन्य और गुप्तचर परफेक्ट ठीक है तो आपने भी वही मुद्दा पकड़ा है और सही पकड़ा है लेडीज एंड जेंटलमैन मुझे लगता है कि हमने काफी कुछ बातें कर ली और काफी सारे क्वेश्चंस पे चर्चा कर लिया है अब वक्त हो चुका है आपके सवालों के जवाब का तो अब हम पाँच दस मिनट आपके सवालों को लेंगे आपसे बातचीत करेंगे ठीक है और जानेंगे कि क्या रह गया है क्या पॉइंट्स बचे हुए हैं ठीक है चलिए चर्चा कर लें चलो बताओ एक मिनट लंबी क्लास हो गई क्या आज की चलिए बताइए वैशाली अशोक ने अपने बेटे और बेटी को विदेश भेजा था हां हां विदेश भेजा था सही है तो क्या चाहती हो भारत रत्न की क्लास लगेगी थोड़ा सा रुक जाओ सर एंशियंट हिस्ट्री के लिए सोर्स बता दीजिए एमपीपीएससी के लिए एनसीआरटी एन सीआरटी एन एनसीआरटी बढ़ लो दैट इज बेस्ट एनसीआर अच्छी ना कोई किताब थी ना है ना होगी ठीक है और बाकी हम अनएकेडमी पर पढ़ाई रहे हैं तो जो बाकी किताबें हो सकती हैं तो उनका निचोड़ हम लेके आ जाते हैं एनसीआरटी पढ़ लो लेक्चर्स देख लो नोट डाउन कर लो दैट इज मोर देन सफिशेंट उसके अलावा तुमको कुछ नहीं पढ़ना है कुछ भी नहीं पढ़ना है ठीक है चाहे यूपीएससी का कोई सवाल हो अगर जो भी हमने टॉपिक कवर करा दिया तुमको अन ऐप पर तो या तो यूपीएससी हो या पीएससी हो दोनों के सवाल तुम दे सकते हो सिर्फ पीएससी के नहीं यूपीएससी के भी तुम दे सकते हो ओके ओके नेहा नेहा क्या लंगीवार बट मेरा चेक नहीं हुआ क्या नहीं चेक हुआ किसी का कुछ सवाल है तो पूछ लो डाउट क्लियरिंग सेशन लास्ट टेन मिनट चलता है हाँ बिल्कुल डाउट क्लियरिंग सेशन है पूछ लो जल्दी पूछो कपिल जैन एम पी का कोर्स टाइम क्या पूछ रहे हो कितने टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं आठ से दस महीने लगेंगे यार दस महीने लगेंगे आपको कंप्लीट कराने में किसी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो पूछ लो क्योंकि हमने मेरे ख्याल से काफी सारा कर लिया है ऑलमोस्ट कितने घंटे की क्लास हो गई आपकी डेढ़ दो घंटे की क्लास हो गई होगी मेरे ख्याल से है ना चलो पूछो किसी का कुछ सवाल है इंपॉर्टेंट तो यू कैन आस्क गो अहेड आस्क अच्छा आपने पीडीएफ भेजा था ठीक है मतलब मैंने तो लगभग सबका यहां पे चेक किया सबका इन द सेंस कि जो भी पीडीएफ में भेजते हैं उनका तो मैं ले लेता हूं लेकिन अगर आप पीडीएफ में नहीं भेजोगे तो क्या होता है अभी इमेजेस होते हैं आप सोचो कि इमेजेज मैं कैसे इकट्ठा करूंगा कैसे पढ़ेंगे उसको तो ऑलवेज सेंड वॉट पी और एक चीज मैं आपको और बता दू हां क्वेश्चन कहां पर देते हैं अगला टॉपिक क्या रहेगा मैं बताना भूल गया ये चैनल है ठीक है इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा अन अकेडमी ऐप और ये नंबर आपके मोबाइल में सेव होना चाहिए ठीक है आपको पर्सनली भेजा जाता है क्वेश्चन और यहां भी मिलता है आपको तो ये नंबर सेव करके इस पर हेलो भेज दीजिएगा ताकि आपको जो भी ब्रॉडकास्ट होता है ना ब्रॉडकास्ट डेली का जो भी अपडेट है पीएससी से रिलेटेड वो मिल जाएगा क्वेश्चन से रिलेटेड मिल जाएगा जो भी सवाल पूछे जाएंगे वो आपको यहां पर मिल जाएंगे ठीक है और एक चीज़ और समझ लो जितने नए बच्चे हैं जिनको नहीं पता है मैं बता दूं तीस और इकतीस से आपके बैचेज शुरू हो रहे हैं दो हजार और इक्कीस वाले ठीक है ठीके? तो ये ज्वाइन कर लो अगर आपने नहीं किया है तो अन अकेडमी ऐप पर उसके लिए कोड क्या रहेगा एच के टी लाइव एच के टी ऐप पर ज्वाइन करिए HKT लाइव लगाइए और अप्लाई कर दीजिएगा ठीक है डिस्काउंट मिल जाएगा आपको और ये नंबर है तो किसी भी डाउट हो कोई भी डाउट है किसी भी तरह का डाउट है तो इस नंबर पर फोन करके आप पूछ सकते हैं या फिर इस पर मैसेज भी कर सकते हैं आपको रिप्लाई आएगा आँ... आंसर हाँ क्वेश्चन यहां पर देते हैं दुबे हर्ष आपका ये सवाल का जवाब है शिवांगी नेक्स्ट आंसर राइटिंग टॉपिक शिवांगी अगला टॉपिक रहेगा मौर्योत्तर है ना इसके बाद का जो टॉपिक है मौर्योत्तर आज शाम तक अपडेट हो जाएगा आज शाम या कल तक अपडेट हो जाएगा मिल जाएगा आपको दम और मोरल में एक ही जैसा लिख सकते हैं चलेगा चलेगा चलेगा, चलेगा वही सवाल ही है वो सवाल ही वही है बस घुमाने की कोशिश की गई है थोड़ा सा जितेंद्र गर्ग आप थोड़ा अध्यात्म पढ़िए ठीक है या तो आप थोड़ा योगा वगैरह करिए ना जल्दी डाल देना क्वेश्चन ठीक है जल्दी मिल जाएंगे आपको मेंस की तैयारी कैसे करें दीपा तो बताया तो मैंने मेंस की तैयारी ही करा रहे हैं हम लोग आपको मैं यहां पर जो देखो आप यूट्यूब पर जो भी पढ़ रहे हो ना तो इसके लिए आपका कोर्स कंप्लीट होना बहुत जरूरी है मतलब धीरे धीरे आप कोर कोर्स कहीं ना कहीं पढ़ रहे हो ठीक है या तो आप किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हो तो सही है तब आप जो अटेंड कर रहे हो क्लासेस जैसे राइटिंग प्रैक्टिस है आपका रोजगार निर्माण है आपका एडिटोरियल है तो ये सारी चीजें आपको मदद कब करेंगी जब आपका थोड़ा थोड़ा कोर्स कंप्लीट हो और आपको लिखने की आदत डेवलप करनी है ठीक है इसीलिए मैं अन पर कोर्सेज भी चला रहा हूं और इसके साथ साथ यूट्यूब पर आपको अलग से क्लासेस दे रहा हूं ताकि आपका एक चौतरफा विकास हो चौतरफा विकास हो कारण क्या है आप पढ़ लोगे समझ लोगे लेकिन लिख नहीं पाओगे तो ये गलत हो जाएगा फिर आपके साथ वो नहीं होना चाहिए आप पढ़ो भी समझो भी और लिखना भी सीखो क्योंकि अगर आपको लिखना नहीं आएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा ये बहुत सिंपल है इट्स वेरी सिंपल अगर आपने डेली प्रैक्टिस नहीं की राइटिंग की तो यू विल नॉट बी सेलेक्टेड ये बहुत सिंपल है ये आप समझ लो आज क्लियर है ये इतना सिंपल है तो राइटिंग प्रैक्टिस नेसेसरी है रोज एक घंटा आपको लिखना ही है रोज आपको एक घंटा लिखना ही है चाहे जो हो जाए क्लियर है चलो कुछ और सवाल हाँ सुपर टेन में मिल जाएगा आपको ठीक है ये है तो भागु यहां पे ज्वाइन कर लेना ठीक है चलो क्लोज कर रहे हैं अब हम ओके सारे सवाल हमने कर लिए सब पे चर्चा कर ली मैंने आपको पढ़ा दिया अब और क्या रहेगा मैंने आपके आंसर्स पर भी डिस्कशन कर दिया ओके कल अब मिलेंगे हम लोग कल क्या है ऑडिटोरियल होगा आपका और अगले टॉपिक्स पे हम कवर करेंगे ओके चलिए कंप्लीट करें मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं उसको ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप ज्वाइन कर चुके हैं तो इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने दोस्तों को बता सकते हैं नहीं तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं अगर आपने वो भी कर दिया दोस्तों को भी बता दिया तो इग्नोर करिएगा क्लियर है यह नंबर है इस पर सेव कर लीजिए इस पर हेलो भेज दीजिएगा ताकि आपको आने वाले समय के ब्रॉडकास्ट सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल होती रहे अन अकेडमी आपका कोड है इसको लगाइएगा अनअकेडमी ऐप पर सब्सक्रिप्शन पाइएगा टेन परसेंट का सब्सक्रिप्शन के लिए क्या एच के डी लाइव टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा एट द रेट एच के टी लाइव ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं और जो आपकी आंसर राइटिंग है उसको चेक करके आपको फीडबैक दिया जा सके मुझे सुनने के लिए एक बार फिर से आपका आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो